उन लोगों को बताने के लिए कि हमने ये काम किया, आपका पैसा खाया नहीं, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए हम ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ये कौन बोलता है? जो काम कर रहा होता है वो अपने बारे में बोलता है, लेकिन वही इंसान जब दूसरे एनजीओ के फोटो देखता है तो बोलता है देखो रियाकारी कर रहा है, रियाकारी। इन चीजों में अल्लाह का हुक्म क्या है? वेदर हम लोगों को ये मतलब दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए। इसी तीसरे पारे के पांचवें रुकू की एक आयत है, इन तुब्दु सदकाति फनिअम्मा ही, अगर आप अपने सदकात को, उलमा ने इसकी तफसीर में लिखा है फर्ज जकात, अगर आप अपनी सदकात को जाहिर करो मतलब बताओ लोगों को, फनिअम्मा ही, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, मतलब ये अलाउड है कि हम हमारे काम की रिपोर्टिंग करें, ये अलाउड है। अल्लाह बोल रहे क्या अच्छी बात है। वहीं तुफ्फा, उसी के आगे बताया, अगर तुम उसको छुपाओ, वो तुतु अल फुकरा, और जो फकीर लोग हैं, फकीर की तफसीर तफसीर से बाद में करेंगे, उन लोगों को छुपा कर ले जाओ, तो तुम्हारे लिए बेहतर है। यानी रास्ते अल्लाह ने हमारे को दोनों भी दिए, इसमें बचना है किससे? रियाकारी से। हमारा अंदर इन्नमल अमालु बिन्नियत, नियत, हमारी नियत क्या है ये इंपॉर्टेंट होता है। अगर नियत दिखलावे की है, अगर नियत यह है कि लोग मुझे बड़ा सोशल वर्कर कहेंगे, वॉलंटियर कहेंगे, अगर नियत यह है कि मेरी वाहवाही होगी, तो फिर यह नहीं जायज है। आप अपनी रिपोर्ट, अपने फोटोज, आप ये सारी चीजें पब्लिश कर सकते हैं, यह बुरा नहीं है। लोग उमूमन ये बोलते हैं कि देखो फोटो निकाल रहे, छाप रहे, बांट रहे, खुद की बड़ाई दिखा रहे, करना है इजाजत है भाई, जो मना है वो दिखावा करना, जो मना है वो ईजा पहुंचाना, जो मना है वो जिसको बेनिफिशियरी को दिए उसको एहसान पहुंचाना। इमाम नवी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुहदीस गुजरे, उनकी एक बात बोलकर मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा, इन्नमल अमालु बिन्नियत, अमल का दारोमदार नियत पर है, इसकी तफसीर में लिखा और बहुत बारीक बात लिखी, और ये वॉलंटियर यहां पर जो चुने हुए आए उनको ये बात जानना बहुत जरूरी है, इसलिए बताकर अपनी बात खत्म करता हूं। उन्होंने लिखा अमल का दारोमदार नियत पर है, जिसने अल्लाह के लिए काम किया, हदीस है ये जिसका मफहूम है, जिसने अल्लाह के लिए काम किया उसको अल्लाह ताला सवाब देगा, जिसने दुनिया के लिए काम किया उसको दुनिया की तरफ लौटाया जाएगा। उसमें उन्होंने एक बात लिखी कि हम जब भी काम करेंगे तो अल्लाह के लिए करेंगे, चाहे फिर उसकी पब्लिसिटी होती हो या ना होती हो। अगर कोई, ये जो लाइन है वो खास सुनाना चाहता हूं जो उन्होंने लिखी है, उन्होंने लिखा कि अगर कोई इंसान नेक काम करने से इसलिए रुकता है कि लोग मुझे रियाकार कहेंगे, ध्यान से सुनो, एक रहता है काम करना और एक रहता है मैं एक नेक काम करने से रुक रहा हूं, मैं नेक काम करने से रुक रहा हूं यह सोचकर कि लोग मुझे रियाकार कहेंगे, तो वो भी एक रियाकार है। यानी काम करते वक्त में हमको लोग क्या बोलेंगे, यानी अल्लाह क्या देखेगा, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। इतनी बात कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दानिश काजी साहब, मैं गुजारिश करूंगा सारे चीफ गेस्ट गेस्ट और एनजीओ के रिप्रेजेंटेटिव से कि हम लोग एंट्रेंस की तरफ चले, वहां पर इस फर्स्ट एनजीओ कॉन्फ्रेंस जो स्टेट लेवल पर होने जा रही है उसका इनोवेशन होगा। मैं आपसे मधुबाना गुजारिश करता हूँ कि सब प्लीज प्रोसीड टुवर्ड्स द एंट्रेंस फॉर द इनोवेशन ऑफ दिस इवेंट। A self-proclaimed social worker attached many concerns to society, societies and currently representative for e-consequent and education plus Mumbai. Yes, I'm not here to introduce myself, but to welcome you all dignitaries. It's been my privilege to, and honor to welcome you for this first state-level Maharashtra NGO Forum conference. Maharashtra NGO Minority NGO Forum is a brainchild of Mr. Jackie Sikandar, and we are lucky to be a part of it. It is a privilege that Planning Committee has given me this opportunity to welcome you. In these 3 days, we should be discussing different issues, namely role of NGO in community development, what properties and our rights,
CSR and government funding, taxation and legal guidance for NGOs, women empowerment, skill development university, research guidance, learning and development centers in all talukas, planning and final decision to have this conference was taken in core committee meeting of Pune, which was held on 30th of June 2019, and finally it was able to have it in this picturesque venue of Kokan Krishi Vidyapeeth. To begin with, Maharashtra minority NGO started when we had its first meeting on 16th of September in Pune. Simultaneously, the second meeting was held in Mumbai on 25th of November 2018. Subsequently, the final third seminar was held in Ratnagiri on 9th of December 2018. With the encouragement of three seminars, the core committee decided to have a state-level three-day conference. And now we are here in Dapoli for the first state-level Maharashtra NGO conference. I wish you have a fruitful discussion for the betterment of community. I am Anand here, welcoming you. Please have a good day. Thank you. After formal inauguration, ke baad, ab hum log is program ke jo maqasid hai, uski taraf jayenge. Aur kis liye is program ko organize kiya gaya hai? Is 3 din ke jo program ko organize karne ke piche kai mahino se mehnat chal rahi thi. Iske piche kya maqsad hai? हमारी क्या ड्यूटीज है, हमें क्या क्या करना है, इसलिए हम जमा हुए. इसका खास मकसद सारी एनजीओस जो माइनॉरिटीज के एनजीओस डिफरेंट डोमेन में काम कर रही है उनको इकट्ठा करना, और इकट्ठा करने के बाद में उनका जो एक्सपर्टाइज है या जो वो डोमेन में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं उससे हम रोशनास हो कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं. यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे ऐसे एनजीओ है जो अपना बहुत सारा कुर्बानियत के साथ में बहुत ही अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, जिसका तसव्वुर भी हम लोग नहीं कर सकते थे कि ये भी सोशल वर्क है. और अल्हम्दुलिल्लाह वो अपना जान माल वक्त लगाकर ऐसे काम अंजाम दे रहे हैं. इसलिए इस प्रोग्राम की आगे की जो कड़ी है हम उसके लिए डेडिकेट करते हैं कि एनजीओ के जो रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर आए हैं वो मुख्तसरन में अपने काम के बारे में कुछ लोगों को कहे, ताकि दूसरे जो एनजीओ है, जो छोटे एनजीओ है, वो उनसे कुछ इबरत हासिल करके अपने अंदर जो इम्प्रूवमेंट लाना है या किस तरीके से काम किया जाता है, किस मुनज्जम तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से काम किया जाता है और किस किस तरह का काम होता है, इस तरीके के सारे हमारे सामने जो पहलू सामने आए. क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर एजुकेशन में काम करने वाले, सोशल सेक्टर में काम करने वाले और अलग अलग सेक्टर्स में काम करने वाले एनजीओ है. मैं गुजारिश करूंगा एनजीओ के एक एक रिप्रेजेंटेटिव से कि वो मुख्तसरन में 2 या 3 मिनट में अपने एनजीओ का इंट्रोडक्शन करें. वक्त की चूंकि हमारे पास थोड़ी कमी है तो हम चाहेंगे कि सब उस वक्त से बाइंड रहे और ज्यादा वक्त ना लें. हम चाहते हैं कि सारे एनजीओ का इंट्रोडक्शन अच्छे से हो ताकि पता चले कि जो हमारे खिदमत है कौम के लिए किस तरीके से काम आ रहे हैं, हम उसको डुप्लीकेट करना चाहते हैं हमारे एरिया के अंदर तो किस तरीके से करें, इसलिए हमने सेशन रखा हुआ है. तो मैं गुजारिश करूंगा एनजीओ के रिप्रेजेंटेटिव से. कैप्टन मेरा सरनेम नहीं है, कैप्टन से जाना चाहता हूँ. मैं सोलापुर से आया हूँ. एडुकेशन से रिलेटेड जो एडिशनल क्वालिफिकेशन है वो है स्पोर्ट्स की, और मैं पिछले 40 साल से स्पोर्ट्स के फील्ड में काम कर रहा हूँ, जहाँ पर सिर्फ हमारे कम्युनिटी के बच्चे जो हैं स्पोर्ट्स के अचीवमेंट से अलग अलग फील्ड में कैसे आगे आ सकते हैं. उस ऐसे 4-5 NGO जो हैं जो सिर्फ स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं उस पर मैं काम कर रहा हूँ. और मैं चाहता हूँ ये यहाँ शायद ही कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड किसी NGO में काम कर रहा होगा तो हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में ये तालुका में या इंटीरियर तालुका से भी इंटीरियर में अगर कुछ स्कूल वाले हैं इदारे ऐसे इदारे जो जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज को लेके चलाते होंगे वहाँ पे ये स्पोर्ट्स को लेके आप स्पोर्ट्स इंट्रोड्यूस करें उसमें. और इस फील्ड में अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए सो दैट आई कैन हेल्प यू थ्रू गवर्नमेंट स्कीम्स थ्रू स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट. मोहम्मद शफी कैप्टन
9890 if you can, if you need. 9890. मैं चाहूंगा कि आप सब लोग इस पर भी थोड़ा सा एक 2-5% का काम करेंगे तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा. शुक्रिया. सूरत सी एक चीज तो हम सब देख चुके जिसके लिए हम जा रहे हैं, उस पर एक बोलना कुछ मिसरे बोलना चाहूंगा. सूरत सी एक चीज तो हम सब देख चुके, सचमुच की अब कोई सहर दे या अल्लाह. शुक्रिया. शेख है और मैं करार से रहने वाली हूँ, सतारा डिस्ट्रिक्ट से. और मेरे एनजीओ का नाम है संजीवन हेल्पिंग हैंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन. इस एनजीओ की मैं फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ. और हमारा वर्किंग जो है तो हम सोशल लीगल अवेयरनेस के ऊपर हम ज़्यादातर फोकस करते हैं. तो जो भी डोमेस्टिक वायलेंस से विक्टिम जो लोग हैं, वो चाहे मेल हो फीमेल हो, तो हम उन्हें फ्री लीगल एडवाइस प्रोवाइड करते हैं. और हमारी ओर से जितना पॉसिबल हो सके कि अभी मेरे पास करार में कुछ मेरी फ्रेंड्स है, मेरी सहेलियाँ हैं बोलो, या फिर पुणे में भी है 2-3 लॉयर्स वगैरह, कि हम हमारे लेवल पर कि उन्हें फीस में जितना कंसेशन देने के लिए आए, हम तो ये कोशिश करते कि प्रो बोनो लॉयर उन्होंने वो केस हैंडल करे. ठीक है कि हर किसी की पेइंग कैपेसिटी होती है नहीं होती है. और गए 2 साल से मैं ये काम कर रही हूँ और मुझे अच्छा इसमें सक्सेस भी मिल रहा है. मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी पर एक केस मेरे पास जो है तो वो यहाँ पर मौजूद भी है वो विक्टिम, तो हम हमारी ओर से उन्हें मदद करें. इसके साथ साथ हम स्कूल या कॉलेज वगैरह जो है तो वहाँ पर भी हम कुछ कानून है जो चाइल्ड सेफ्टी अवेयरनेस है, वापस से सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है वगैरह, तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, उसका भी हम अवेयरनेस करते हैं. और गए साल मेरी कराड़ तालुका पुलिस स्टेशन के निर्भया पदक पर काउंसलर करके मेरी अपॉइंटमेंट भी हो चुकी है. लगभग मैं ये 1 साल भर में मैं बोलूँगी कि 5,500-6,000 बच्चों तक मैं पहुँच गई हूँ. और जो छोटे बच्चों के ऊपर भी मतलब लैंगिक अत्याचार वगैरह होते हैं तो कैसे होता है कि माँ बाप अपने बच्चों को नहीं बोल पाते कि क्या गुड टच है, किसे बैड टच बोला जाता है, वो शर्मा जाते हैं बच्चों से बोलने के लिए, झिझकते हैं. स्कूल में भी वैसे ही होते हैं कि टीचर से बात बच्चों से नहीं ठीक से बोल पाते हैं. तो हम इसके ऊपर ज़्यादातर हमने फोकस किया है. और देखा है मैंने गए साल पर कि मेरे साथ PSI अनिल चौधरी साहब थे, हम लोग स्कूल पर जाते थे वगैरह, बहुत सारी लड़कियों की कंप्लेंट्स आती थी और उनके प्रॉब्लम्स हमें सॉल्व करने में भी बहुत अच्छा सक्सेस मिला है. और कॉलेज पर भी जो हम मतलब छेड़छाड़ की होती है लड़कियों के साथ, लेकिन अभी हुआ है कैसे कि कानून औरतों के फेवर में ज़्यादा है, लेकिन औरतें ऐसे भी हैं कि वो कानून का मिसयूज़ करती है और लोगों को लड़कों को टारगेट करते हैं. तो फिर लड़कों के भी उन्हें उनकी राइट्स भी पता होने चाहिए, वो कहाँ गलत हो सकते हैं, कहाँ उनसे गलती हो जाए तो क्या हो सकता है, उनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं. तो इसके बारे में भी हमारा अच्छा काम चला हुआ है. तो इतना छोटा बहुत काम, ठीक है अदर बाकी का भी काम है, लेकिन ज़्यादातर हमने इसके ऊपर फोकस किया हुआ है. तो शुक्रिया. उसके साथ दूसरे भी जो सोशल वर्क अलहमदिल्ला गाय काम होते रहते हैं, उसमें सबसे अलहमदिल्ला बड़ा काम इन्हें हमारे आवाज़ एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से ये हुआ कि एक एग्जीबिशन लगा था महाड़ में, तो उस एग्जीबिशन में हम चले गए तो वहाँ इन्हें मुजाहिदीन आज़ादी का, तो वहाँ हमने सिर्फ 3 नाम ऐसे देखे जिसमें सिर्फ मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी को पेश किया गया था. तो फिर हमारे मुफ्ती साहब ने यहाँ, उसके बाद हमारे वाली साहब जो भाई मुफ्ती रफीक ने उनसे मशवरा किए कि आगे जाकर हो सकता है ये 3 भी मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी इससे गायब हो जाएंगे, तो क्यों ना हम इन्हें हमारे आज़ादी में मुसलमानों का किरदार बहुत बड़ा रहा. उलमा कराम ने भी बहुत यानी हमारे पेश रहे, हज़ारों की तादाद में उलमा कराम शहीद हो गए. तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये काम शुरू किया और पूरे इंडिया में हमने पानीपत गए, दिल्ली गए, बहुत जगह पर गए और पूरी मालूम इकट्ठा किए और एक बड़ी एग्जीबिशन लगाए गए महाड़ में. एक दिन के लिए हमने लगाए थे
हमने असल में क्या किया, यानी ओपनिंग के लिए उसके मेहमानी खुसूसी के लिए सबको, यानी एमएलए वगैरह जितने भी बड़े बड़े गए थे उनको बुलाए ताकि वो आए और खुद देखे। उन्होंने आकर देखे कि ये तारीख आपने हमसे छुपा कर रखी है, आप अब तक हमें मालूम नहीं था, यानी डिवाइस भी वगैरह सब आए थे। तो उन्होंने एक दिन के बजाय उन्होंने 3 दिन मजीद उसको क्या किया, वहाँ हॉल का किराया और हम देना नहीं है और मजीद 3 दिन उसको क्या करें आप एग्जीबिशन रखिए। यानी जनाब मंसूर गाजी साहब ने भी वो एग्जीबिशन को देखा है, वहाँ पावस रत्नागिरी लांजा यानी कोकण के तमाम अजला में इन्हें एग्जीबिशन मुनाकिद किया गया और अक्सर वहाँ डीएसपी वगैरह महमूद मद्दी साहब भी आए थे, उन्होंने भी सराहा। तो हम ये चाहते हैं कि ये एग्जीबिशन इन्हें पूरे महाराष्ट्र में लगे, इसलिए आप भी इन्हें हमारे साथ दें इंशाल्लाह, इन्हें कॉन्टेक्ट करें इंशाल्लाह उधर लगाएंगे। और अभी फिलहाल इसके एक किताबी शक्ल हम दे रहे हैं तो इंशाल्लाह अन करीब इसका इफ्तिता भी हो जाएगा। उसके बाद कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम, उसके बाद गैरों में इन्हें जैसे हमने पूरे ऑल महाराष्ट्र ये भी रखा था, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शांति संदेश इन्हें गैरों के अंदर हमने स्पर्धा रखी थी, अलहमदा काफ़ी लोगों ने उसका साथ दिया, अलहमद इसी तरह से काम चल रहे हैं। दुआ कीजिए अल्लाह तआला और मजीद उसमें तरक्की आता है। ये था इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन। हेलो, हमारा मेन काम है इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन यानी फिक्री इंकलाब। एक काम हम एक तरीके से करते हैं लेकिन उसी काम को दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, तीसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं एफिशिएंट तरीके से, सोशल वर्कर्स के लिए भी हम खुद इसको करते हैं। और हमारा फील्डवर्क जो एक्टिविटी चल रही है वो ये कि हम हर जगह पर गवर्नमेंट स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन, जैसे स्कॉलरशिप है, स्कॉलरशिप के लिए बहुत सारे लोग भागते हैं, बच्चे कैफे में इधर उधर जाते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन हमने उसको सेकंड तरीके से इस तरह से किया कि ग्रुप एक्टिविटी के तौर पर एक सोशल एक्टिविटी बच्चों को इस्तेमाल करके, सोशल वर्कर को इस्तेमाल करके जाके ब्लैक मार्केट जो है जिसके लिए उत्पन्न के दाखिले बनाने में जो तकलीफ होती है उसको रिड्यूस कर सके। या फिर मान लो कि कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे अभी इसकी बेगम हजरत महल की स्कीम आई है, उन्होंने फी का ये मांगा है, तो हम चाहते हैं कि इसके अंदर आज हम जो 3 दिन डिस्कस करेंगे हम कोई डेलीगेशन लेके जाए फी स्ट्रक्चर की जगह, वो पुराना सिस्टम था बोनाफाइड का उसको लेकर आए। सो बोलने का मतलब कि एक तरीका पुराना था कि हम इंडिविजुअल करते थे, हम सेकेंड तरीके से किए। एक चीज इस तरह से भी है कि हम हमारे यहाँ पर यतीमों को, बेवाओं को, बच्चों को बहुत सारी तंजीमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत नेक काम माशाल्लाह करती है उनको मंथली, या हमारे खालसे का ट्रस्ट है, हमारे अंजुमन दर्दमंदान वगैरह काम करते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ हम निराधार योजना को इम्प्लीमेंट कराने के लिए हम लोग बहुत ज्यादा काम करते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप अपने अपने जिले में भी अगर इसको इम्प्लीमेंट कराना चाहे तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमसे जुड़े और हम उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा कैसे बेनिफिशियरीज दिला सके उसको काम करेंगे। निराधार योजना के अलावा आरटी राइट टू एजुकेशन, एक तरीका यह है कि हम बच्चों के लिए डोनर से फीस जमा करें और दें, लेकिन दूसरा तरीका यह है कि गवर्नमेंट का आरटी एक्ट है 25% प्राइवेट स्कूल के अंदर फ्री में ये करने का, एडमिशन कराने का हमने मुहिम चलाया अल्हम्दुलिल्लाह एक एक जिले के अंदर। अभी थोड़ी सी ये है कि उसके तरीके कैसे इंप्लीमेंट करने के उस जाहिरन फौरन नजर नहीं आते, लेकिन एक एक बंदा अपने एनजीओ के रिक्वेस्ट पर एक एक बंदा पंचायत समिति में अपॉइंटेड ऑफिशियल हर तालुके में 150 के आसपास पूरे महाराष्ट्र के अंदर हमने अपॉइंटमेंट करवाए और उसके जरिए से फ्री में बच्चे पढ़ने लगे। सो अगेन वही इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन, एक काम हम वे ए से करते हैं उसको वे टू से करेंगे तो शायद और ज्यादा एफिशिएंट कर पाएंगे। ऐसे बहुत सारे काम है जिसको हम लोग इम्प्लीमेंटेशन में दे रहे हैं। वक्फ की जमीनों का मैटर, वक्फ के लिए भी एक वक्फ के अंदर एक तरीका है कि हम रजिस्ट्रेशन को जाते हैं, भागदौड़ करते हैं, कुछ लोग काउंसिलिंग करते हैं वगैरह वगैरह। हमने दूसरा तरीका इख्तियार किया, हमने आरटीआई डाले और आप बिलीव करेंगे 3600 के आसपास आरटीआई महाराष्ट्र के हर तालुका, हर तहसील, हर तलाटी तक वो आरटीआई गया। उसका एक रूम भर डॉक्यूमेंट है। मैं चाहता हूं कि एनजीओ काम करना चाहते हैं, अपने को जगह की जरूरत पड़ती है, काम रहता है, तो आप लोग अगर अपने तालुके की इन्फॉर्मेशन हमसे लेंगे, हमारे साथ मिलकर काम करेंगे, तो फिर हम उस वक्फ की जमीन को बचाना, जो हमारा वक्फ टास्क फोर्स है, सलीम भाई का भी अच्छा काम है, लेकिन हम लोगों ने इस तरह से हेल्प करने की एक भूमिका ली हुई है कि एनजीओ को भी हेल्प करेंगे। इसी तरह सीएसआर फंड आप भी निकालते हो, हम भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर मिलके निकालेंगे तो शायद ज्यादा निकलेंगे। इसके लिए जो है इस्तिमाइयत का एक ये लेकर कंसेप्ट लेकर इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन का काम कर रहे हैं। जज़ाकअल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम। पिछले 10 सालों से हम एक वेलफेयर चलाते हैं जो ज़कात की रकम जो है बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए देते हैं। वैसे तो 500 अदर है, मगर मैं सिर्फ 1 अदर के बारे में बात करूँ। ये पिछले 2009 से
हमने आयशा बैतुल माल करके अदारा शुरू किया था जो कि अभी रिसेंटली आयशा वेलफेयर ट्रस्ट करके जो अभी काम कर रहा है नासिक में 2009 से 2019 तक अभी तक हमने करीब 1,50,00,000 रुपया जो है बच्चों को जो है डिस्ट्रीब्यूशन किया है। 11वीं से लेकर तो पीजी तक का जो भी बच्चे जो कहाँ जो कि पैसे की ज़रूरत है और पैसे नहीं होने की वजह से एजुकेशन हासिल नहीं कर पाते ऐसे बच्चों के लिए हमारा जो ट्रस्ट जो है नासिक में काम कर रहा है और उसमें काफ़ी हमारे साथ अभी ये 3-7 जो है मेम्बरान भी हमारे आए और वो एक्चुअली वो पर्टिकुलर एजुकेशन के ऊपर हमारा काम जो है वो फोकस हमने किया है। बाकी के आधारों के बारे में इंशाल्लाह अभी आगे जब आए आप 3 दिन के बाद उसके ऊपर होंगी। शुक्रिया। उसके अंदर उर्दू के लिए काम जो इंग्लिश मीडियम स्कूलिंग है उसमें उर्दू का एक सब्जेक्ट हम कंपल्सरी रखने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग केरला तक जाकर आए वहाँ भी एक सब्जेक्ट उर्दू में करा है और मदारिस में इंग्लिश कंपल्सरी रखने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हमारा ज़्यादा फोकस उर्दू के ऊपर। मैं मराठी से उर्दू में ट्रांसलेशन भी करता हूँ किताबों का और बहुत सारी चीज़ों का और बाकी लोगों की मैं वही सलाह देता हूँ उर्दू और मराठी साथ में लेके चलिए। जी शुक्रिया। इकरा प्राइमरी स्कूल चलाती है नासिक में। इलावा इसके हमारा एक राहत फाउंडेशन है जो सोशल काम करता है जो वक्त के हिसाब से वक्त की ज़रूरत होती है उसके हिसाब से ये ट्रस्ट काम करता है। हमारा फिलहाल NRC और NPR का जो इश्यू चल रहा है और उससे अपने समाज में जो घबराहट है उसको दूर करने की कोशिश की जा रही है। 30 अगस्त तक इलेक्शन कार्ड में दुरुस्ती कराने की जो गवर्नमेंट ने मुद्दत दी है फिलहाल उस पर काम चल रहा है। नासिक में कई सेंटर्स खोले गए हैं, हमारे रजाकार बैठे हैं उन्हें दुरुस्ती करा रहे, नए नाम शामिल करा रहे और उसके बाद आधार कार्ड और जो भी दस्तावेजात है उसके लिए कोशिश की जाएगी। तो मौके की मुनासिबत से हमारे ट्रस्ट काम करता है, जिसकी ज़रूरत होती है उसको हाथ में लिया जाता है, चाहे बच्चों की स्कॉलरशिप हो या उनके लिए मार्गदर्शन के लिए एजुकेशनल मार्गदर्शन करना हो, इसके काम हमारे जरिए किए जाते हैं। शुक्रिया। मस्जिद के मस्जिद हसन खुले नगर में वहाँ पर मैं जिम्मेदार हूँ और हम लोग अपनी मस्जिद को सिर्फ मस्जिद में रखते हुए इस्लामिक सेंटर करके हम लोगों ने हमारे विजन है कि इस्लामिक सेंटर चले वहाँ से हर चीज़ की मालूमात अपने जो यंग जनरेशन है बच्चों को मिले। लास्ट 31 अक्टूबर को हमने एक प्रोग्राम रखा था नासिक जिले के जितने भी ट्रस्ट है उनके जिम्मेदारों को बुला के हम लोगों ने अवेयरनेस टैक्सेशन डॉक्यूमेंटेशन ये जो चीज़ें हम लोगों को मस्जिद के लिए चाहिए मदरसे के लिए चाहिए जिस लोगों को जिन लोग कुछ लोगों को उसके पता नहीं रहता है तो ऐसे प्रोग्राम हम लोग करते हैं जिससे अपने मस्जिद के प्लेटफॉर्म से इन लोगों को एक मैसेज जाए कि ये चीज़ें हमको ज़रूरी है तो हम लोग वो काम में काम करते हैं। शुक्रिया। मैं दर्शन के अराकिन से हूँ। बाय प्रोफेशन आई एम हेड ऑफ टैक्सेशन डिपार्टमेंट प्राइवेट ग्रुप ऑफ कंपनीज इन नासिक। जैसे कि हमारे सीए साहब ने बताया कि जो प्रोग्राम अपने वक्त में किए थे हमारे खान साहब और सलीमुल्ला साहब हमारे उस प्रोग्राम को गाइड करने के लिए आए थे अलहमदिल्ला काफ़ी अच्छा उसमें रिस्पॉन्स मिला। इसी तरह से हमारे ज़्यादातर कंसंट्रेशन ये है कि मस्जिद का जो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर रेडीमेड हमको स्ट्रक्चर अवेलेबल है और इतनी बड़ी मस्जिदें बनाई है तकरीबन हमारी जो नई मस्जिद है 5 साल हुए 125 करोड़ की मस्जिद बनी तो ये अदारे का इस्तेमाल हमारे कौम को दीनी खिदमत के अलावा कैसे और जगह इस्तेमाल किया जा सकते हैं इस पर हमारा ज़्यादा तवज्जो है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आई एम प्रोफेसर एंड एडवोकेट असदुल्लाह अब्दुल्ला फ्रॉम मुंबई। I am inactive for the last 21 years in Mumbra, Kosa district, Thane. I have my own NGO known as Eva Sayed Education Memorial Trust and I am managing a girls institute there from the last 21 years. This, the main aspect of my NGO is for women empowerment. I have started what Modi has said just recently. I have started the slogan 21 years back, Bachchi Padhao, Bachchi Bachao. And I have done my best for the last 21 years in Kosa and Mumbra district. And I also, with people here, do not know that mentally challenged children are disgraced by many of our Muslim families. For that also purposes, I have been working for the last 14 years in Kosa Mumbra district. Now how do we do this is that we try to benefit the mentally challenged children and remember this is a self-financed project, it's not financed by anybody else, okay? We are trying to see that the mentally challenged children in the houses
are given proper education and they are made to be, you know, they are all loving children. I have nearly about 40 mentally challenged children in my school in Mumbra. This is one part. And every year we give job oriented courses for nearly about 1000 girls are educated in different types of job oriented courses like computers, etc., etc. Recently we have introduced another branch at the Mumbra station for competitive examinations. Now main maksad is that ladki jo hai unko padhana bahut zaruri hai. क्योंकि क्या है, देखिए कितने डाइवर्स केस, बीइंग एन एडवोकेट बाय प्रोफेशन, कितने डाइवर्स केसेस आते हैं, खास करके हमारे मुसलमान हो, अगर लड़की कुछ पढ़े तो कुछ काम कर सकते हैं. सो हमारा ये मकसद है और वी आर ट्राइंग टू डू इट टू द माइनॉरिटी कम्युनिटी. थैंक यू वेरी मच. ये हमारे जो सिकलगर जमात जो है, ये बेसिकली तो एनजीओ का ऐसा कोई फॉर्म में नहीं था. एक सतारा सांगली के बहुत सारे लोग जो हमारे सिकलगर कम्युनिटी के लोग हैं, वहाँ पर धंधा पानी सही तरह से नहीं होता, इसलिए बम्बई आ गए. बम्बई आने के बाद में उन्होंने जो लाइफ देखा तो उसने देखा कि भाई बच्चों की पढ़ाई है तो बच्चे ज़्यादा पढ़ते नहीं है और दुकान पढ़ने की वजह से ऐसे छोटे मोटे धंधा करना पड़ता, धंधे करते. तो उसके अंदर जो रिजर्वेशन का जो मेन इशू था, तो ये हमारे पुराने लोगों ने टेकअप किया 1970-80 के दरमियान में, और उसके लिए हमारे लोग वहाँ पर इकट्ठा आ गए और उसको ये एनटी का सर्टिफिकेट मिलाने में कामयाब हो गए. उसके बाद में फिर उन्होंने अपनी पगपीढ़ी बनाई, तो पगपीढ़ी शुरू में तो ज़्यादा लिटरेट लोग नहीं थे, तो लेकिन वो जब से हमारे नौछाते सिकलगर उन्होंने वहाँ पर काम करना शुरू किया तो बड़े खुशी की बात है कि भाई जो 5-10 साल पहले हमारा 2 करोड़ का बीमार टर्नओवर नहीं था, आज हम लोग 15 करोड़ का टर्नओवर कर चुके. और उसके अंदर मेन बात यह है कि भाई कोई भी अगर आपको अगर फाइनल ये सोशल वर्क करना है तो उसके लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है, आप दूसरे के भरोसे पे ज़्यादा नहीं कर सकते. तो हमारे जो पदपीढ़ी का जो खास मकसद है, तो उसके अंदर जो भी रहता कि भाई हम लोग मैनेजमेंट के अंदर जो भी है उसके अंदर एक पैसा भी हम लोग को फायदा कुछ भी नहीं होता. हम लोग जो भी उसके अंदर डायरेक्टर रहते हैं, तो जो भी हमारी मंथली मीटिंग रहती है तो हमारे जो अनाउंस आते रहता है 1000 रुपये 2000 रुपये, वो हम लोग डोनेट करते रहते हैं हमारे ट्रस्ट के लिए. उसके बाद में जो हम लोग अगर मीटिंग का खर्चा भी अपनी तरफ से हम लोग लेते खाते रहते, तो इस तरह से वो आज जो उसमें तरक्की होती जा रही, तो उसके थ्रू फिर हम लोग ने एजुकेशन के ऊपर, वुमन पावर एम्पावरमेंट के ऊपर, उसके बाद में फिर बच्चों अभी लीगल हेल्प भी हमने शुरू की है. फ्री ऑफ कॉस्ट एक एडवोकेट कंपनी जो हमारे जो पैनल पे है उनको बोले कि भाई हर हफ्ते आप आते जाओ 2 घंटे के लिए, और वहाँ पर फिर लोगों को लीगल हेल्प फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है. अभी हम लोग अपलिफ्ट के थ्रू मेडिकल हेल्प की भी जरूरत है, ये कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर डॉक्टर परमानेंट आएगा 400 में. अच्छा, तो इस तरह से हम लोग कोशिश कर रहे हैं, तो अलग अलग प्रोग्राम है उसके अंदर हम लोग अंडरटेक कर रहे हैं और धीरे धीरे उसने एनजीओ का फॉर्म ले लिया है. तो वक्त की कमी की वजह से मैं ज़्यादा कुछ पता नहीं पाऊंगा, तो जितना भी है वो मैंने मेरा रहमतुल्लाह अलैह एजुकेशनल एंड कैथोलिक ट्रस्ट इस नाम से एनजीओ मैंने कायम किया है. उसका मेन मकसद है कि दीन का दीन और दुनिया दोनों साथ साथ चले. इस्लाम में दीन अलग और दुनिया अलग ऐसा नहीं है. इसलिए हमने 2009 में एक मदारिस कायम किया जिसमें 137 बच्चे पढ़ते हैं और 21 बच्चे जो बाहर के गरीब स्टेट से आते हैं, जो बिहार है, कलकत्ता है, उनका खाने पीने का रहने का निज़ाम है. उसी तरह सिर्फ मदारिस दीनी हद तक न महदूद होते हुए हम दुनिया में या दुनिया में रहते हुए अच्छे आला से आला तालीम लें और हमारे बच्चे अच्छी अच्छी पढ़ाई करके अपना माशरा संवारे और खुद को संवारे. इसलिए हमने स्कूल का निज़ाम बनाया. फिलहाल मेरा हजरत KSM इंग्लिश स्कूल एंड जूनियर कॉलेज नाम से पहली से फर्स्ट और ट्वेल्थ तक मंजूरी आई है. अंतिम मंजूरी कावड़े साहब के टेबल पर है. उसी तरह APJ अब्दुल कलाम डॉक्टर अब्दुल कलाम जूनियर कॉलेज आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस, इसकी भी मंजूरी आई है, वो भी आगे साथ इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा. दूसरी बात, हमारी एनजीओ की तरफ से जो हमारी खुद की घर की ज़कात है, जो हम बाहर से इकट्ठा नहीं करते, उसमें से जो रकम बचती है जो हमें पूरी एनजीओ में डालते हैं और जो गरीब तबका है, जैसा जो मेडिकल हेल्थ और एजुकेशन उसमें प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि डायलिसिस पेशेंट है उसमें एक पेशेंट को 1500 रुपये खर्चा आता है, उसकी तकरीबन महीने में 5 होते हैं और वो अफोर्डेबल नहीं है उसके लिए, तो उनको हम डायरेक्ट चेक देते हैं. उसी तरह MBBS और इंजीनियरिंग कॉलेज के जो बच्चे हैं मेरिट लेके 92% से ऊपर चले जाते हैं, उनको भी फी अफोर्डेबल नहीं होती, उस बच्चों को हम एजुकेशन से मिलते हैं. जरा कल बस इतना शुक्रिया.
मेरे से आया हूँ। मैं वाचन प्रोजेक्ट विंग के अंदर 3 साल लाइब्रेरी करके था और इस्लामिक स्टडीज के अंदर मुस्लिम समाज के अंदर मैंने 1990 के अंदर पीएचडी किए। मैं बहुत सारे एनजीओ के अंदर एडवाइजर का काम करता हूँ और एकेडमिक काउंसलिंग मेरा मेन मकसद का काम है। और फिलहाल मैं कैमल फाउंडेशन के नाम एक कैमल फाउंडेशन के नाम से जो तंजीम चलती है जो धारवाड़ से है उसकी 3rd ब्रांच हमारे मेरठ के अंदर निकली है। हमारा मकसद ये है कि हमारे दीन के जो हमारे कौम की हालत है उम्मत की हालत है दिन पर दिन बद से बदतर होती जा रही है। इसका असल मकसद जो है असल इसका रीजन जो है ये हमारी पीएचडी के अंदर है। तो दीन और दुनिया का इल्म देना बच्चों को, इसलिए गरीब कौम के जितने भी यतीम बेवा गरीब इनके बच्चे हैं 5 से 6 साल के ऐसे बच्चे हम चुन के लाते हैं। फिलहाल हमारे पास 26 बच्चे हैं और एक आलिम हमारे रेक्टर होते हैं। हमारा निज़ाम इस तरह बनाया है कि बच्चों को दीन और दुनिया दोनों का एजुकेशन दिया जाए। तो जो आलिम होते हैं वो दिन के अंदर जितना वक्त उनका एक वक्त मुकर होता है उस दुनिया पढ़ाते हैं। अगर बच्चा हिफ्ज करना चाहता है हिफ्ज कराते हैं उसको और एक कॉन्वेंट एजुकेशन के अंदर डालते हैं। एक कॉन्वेंट एजुकेशन का मतलब ये है कि हमारे जो हमारे बुजुर्ग हैं जो हमारे अहदेदार हैं वो ये समझते हैं कि अपने को कारखानों की फैक्ट्री नहीं शुरू करनी चाहिए। अपने लिए ये बच्चे आ रहे हैं जो बहुत गरीबी से आए हुए हैं, इन बच्चों को आईपीएस आईएएस के लिए तैयार करना है, इस तरह से उसको मेहनत करिए। तो 5 पॉइंट पर हम काम करते हैं। पहला डिसिप्लिन, दूसरा बेहतरीन दीनी नॉलेज, तीसरा बेहतरीन दुनियावी नॉलेज, चौथा कम्युनिकेशन एंड लिंग्विस्टिक और 5वां है हमारा फिजिकल हेल्थ। ये 5 पॉइंट पर हम फिलहाल काम करते हैं और इसके पूरा प्लान हमारा बना हुआ होता है। एक अभी बिल्डिंग हमने किराए पर ली हुई है और हमारा मकसद है कि आगे चलकर 500 लड़के और 500 लड़कियां ऐसे जो जरूरतमंद हैं बच्चों को लाकर एक स्कूल कायम करें। अब इंशाल्लाह हमारे जो जाहिद भी हैं इनके स्कूल हम अडॉप्ट करने वाले हैं, इनके स्कूल में हमारे बच्चों का दाखिला होगा। तो ये 1000 बच्चों का एक शहर के अंदर हो और एक कैमल फाउंडेशन का इंटेंशन ऐसा है कि भारत के जितनी भी डिस्ट्रिक्ट हैं जितने भी डिस्ट्रिक्ट हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऐसा हॉस्टल हो। हमने इसको यतीम खाना या ऐसा कुछ नहीं नाम दिया, इसको हॉस्टल नाम दिया है। हॉस्टल का मतलब यह था और इसके अंदर कोई पदाधिकारी नहीं होता। ये जब जितने भी काम कर रहे हैं हम अपने आप को वॉलंटियर कहते हैं, हम वॉलंटियर्स हैं और कौम की खिदमत करना हमारे लिए एक ज़रूरी चीज़ है क्योंकि आने वाले 20 साल के बाद में इसके बहुत अच्छे नतीजे आएंगे और हमारी कौम पढ़ी लिखी और पॉलिश्ड कौम जब आएंगी तो हमारी तरफ देखने का नज़रिया दूसरों को भी बदलेगा। और इस तरह से कौम की एक अपनी बेटर एजुकेशन और अखलाक की जिम्मेदारी। आज अखलाक के बारे में बहुत सारी बातें होती हैं लेकिन अखलाक बच्चे के अंदर कैसे डाल जाए, क्योंकि छोटे बच्चे छोटे छोटे बच्चे मासूम बच्चे हैं 4-5 साल के, इन बच्चों में जब मेहनत होती है माशाल्लाह जब आए थे बच्चे और 1.5 साल के बाद में आज बच्चे बहुत हालात के फर्क दिख रहा है बच्चों के अंदर, उनके माँ बाप भी बहुत खुश होते हैं देखने के बाद। ऐसा हमारा काम चल रहा है। इंशाल्लाह आप सब लोग इसके अंदर जुड़े और कैमल फाउंडेशन नाम का धारवा को एक इदारा है जो सारे इंडिया के अंदर इसे जाग रहा है, उसका सारा जुडिशन जो है पूरा इंडिया। सलाम और बेलगाम डिस्ट्रिक्ट में कुर्ची से ताल्लुक रखता हूँ और हमारे यहाँ जुनेदिया एजुकेशन सोसाइटी ये तकरीबन 50-60 साल से एक इदारा चल रहा है। यहाँ महाराष्ट्र में कोकण में और वेस्टर्न महाराष्ट्र में कई साल काम करने के बाद मैं वहाँ जाके हमारे एनजीओ को मैं मदद कर रहा हूँ। वहाँ जाने के बाद हमको जो तजुर्बा मिला है कि हमारे जो छोटे छोटे स्कूल्स हैं जिनके पास जगह नहीं है या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है या फिर कंप्यूटर लैब्स नहीं हैं या टेक्निकल लैब्स या रोबोटिक्स लैब जो अभी नई एजुकेशन पॉलिसी का हिस्सा बनने जा रहे हैं वो चीज़ें नहीं हैं तो हम वो प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। हमारे गांव के करीब से हमारे बड़े बड़े साहब भी यहां पर आए हैं जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के मेम्बर हैं, वो मेरे अच्छे दोस्त हैं। और जो भी हम बड़े बड़े इदारों से ज़्यादा वो नहीं रखते लेकिन जो छोटे इदारे उभरना चाहते हैं जैसे कि आज हमारे महाराष्ट्र माइनॉरिटी एनजीओ फोरम का जो इन्होंने एम्पावरमेंट ऑफ एनजीओ कहा है, जो छोटे छोटे स्कूल्स हैं जगह जगह जो छोटे छोटे स्कूल्स हैं जहां पर हम पहुंच सकते हैं उनको हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हम गाइडेंस देते हैं। थैंक यू। बहुत सारे एनजीओ हैं उसमें हरित क्रांति प्रतिष्ठान ये थोड़ा सा उसका ज़्यादा काम हुआ है। 25 साल से अपने वाटर शेड मैनेजमेंट पानी अड़वा पानी गिरवा अन्ना हजारे के साथ और अब के वक्त राजेंद्र सिंह राणा के साथ काम कर रहा हूँ। और दूसरी सांगली एनजीओ फोरम, सांगली में जितने एनजीओ हैं
इनका हमें फेडरेशन बनाया है और वो मैं खुद आगे चल उसको ये करके मैंने वो बनाया उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ। और जो तीसरी एनजीओ है मुस्लिम सोशल फोरम, यहाँ सब बुद्धिजीवी लोग जो ज़्यादा सीखे हुए लोग हैं, डॉक्टर वकील, जहाँ सिर्फ बच्चों की तालीम, यतीमों का पुनर्वसन, एजुकेशन में पूरा काम करना, ये इतने सारे काम जो 27 हमारे मकसद हैं उस पर ही काम कर रहे हैं 10 साल से। उसका मैं फाउंडर सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी हूँ और वहाँ भी मेरा काम चल रहा है। अभी जो मेरे हाथ में काम है सेल्फ हेल्प ग्रुप, हमारे महिला बचत गट, ये कंसेप्ट बहुत अच्छा है और इसके ज़रिए से मैंने सांगली जिले में 2500 महिला बचत गट मैंने स्टार्ट किया। उसमें से ज़्यादा मुस्लिम महिलाओं का बहुत सारे बचत गट भी तैयार किए हुए हैं और उनके लिए कुछ बिजनेसेस अब शुरू किए हैं। मारो अली फूड्स बोलकर अभी जस्ट ही हमारा एक लॉन्च हुआ है, हमारे एक महिला बचत गट से, जिसमें अचार, अलग अलग चटनी और बहुत सारे जो रोज़मर्रा के हमारे घरेलू ये हैं वो 35 आइटम हैं उसका वो उत्पाद ये करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। अभी हम चाहते हैं कि ये हमारे पूरे मुस्लिम ग्रुप है, मुस्लिम महिलाओं का ग्रुप है, तो इनका इनके जो ये है ये मसाले वगैरह वो इतने अच्छे बेहतरीन हैं कि हम चाहते हैं कि हर ज़िले में, महाराष्ट्र के हर ज़िले में इसकी ब्रांचेस ही दे दें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे महिलाओं को यानी हमारे औरतों को ये उसको उनको रोज़गार भी देने का उसमें हमारे में ये है कि जो महिला घर पर बैठकर कुछ काम कर सकती है, अचार बना सकते हैं, चटनियाँ बना सकते हैं, वो हमारे ये लेता है, परचेस करता है, उसको पैकिंग करने वाली भी महिला इधर है, उसका हमारा एक ब्रांड नेम है आर अली बोल। और दूसरी बात ऐसा है कि तीन तरीके से इसमें हमारे महिलाओं का उनको इनकम हो सकता है, एक तो वो खुद बना सकते हैं, दूसरा इसका एक हिस्सा बनकर ये हर वाली फोर्स का एक पार्टनर बन के काम कर सकते हैं, या तीसरा वो खुद अपने घर में जो इस्तेमाल करते हैं वो भी परचेस किए तो उनको 35% थोड़ी नहीं है। जब कोई भी बाजार से आप चीज़ लाएंगे तो उसकी 100 रुपये कीमत है तो उसमें 35% उसको छूट मिल रही है। तो इस तरीके से जब हम हमारे औरतें हमारे घर पे इसका ये होगा तो बहुत सारे मैं अपने औरतों को भी काम मिलता है। शुक्रिया। मैं कोंडवा से हूँ, अल खदीम फाउंडेशन मैं फाउंडर सेक्रेटरी हूँ। हम लोग दो ही फील्ड में काम करते हैं, एक कुछ लेडीज ऐसे हैं जिनके घर के मसाले हैं उनको मंथली राशन, और कुछ औरतें ऐसी जिसकी उम्र 70 साल से आगे है जिसको अल्लाह ने शोहर भी नहीं और औलाद भी नहीं मानी, तो उनको मेडिसिन की जरूरत पड़ती है, तो वो हम लोग ऐसे 57 फैमिलीज है जो महीना हम उनको राशन और मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। मेरा मैं और हमारे साथी अब्दुल गफ्फार भाई और एक साथी जो पर ज्वाइन करी है, हम तीन जो है अल खैर अपलिफ्टमेंट मूवमेंट ये एनजीओ को रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो एनजीओ है ये पुणे में पिछले 20 साल से सोशल काम कर रहे हैं। हम लोग के जो काम है वो दो टाइप्स के स्कीम्स में हम लोग डिवाइड किए, एक है एजुकेशनल और एक है सोशल। हम लोग का कोर बिलीफ जो है वो है कि अपलिफ्टमेंट थ्रू एजुकेशन, ये हम लोग का कोर बिलीफ है। एजुकेशनल स्कीम्स में जो स्कीम है वो स्टूडेंट स्कॉलरशिप स्कीम है, जिसमें हम लोग प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए बच्चों को स्पॉन्सरशिप करते हैं। इस स्कीम के तहत ऑलमोस्ट 100 से ज़्यादा इंजीनियर्स को हम लोग ने सपोर्ट किया है और अभी वो काफ़ी लोग एजेंसीज में काम करते हैं। ऑर्फन चाइल्ड एडॉप्शन जो नेट्स थे, जो वीडियोज है उन लोग के बच्चों को हम लोग KG-9 के एजुकेशन के लिए जो भी खर्चा आता है उसके लिए हम लोग एडॉप्ट करते और उनको एजुकेशन कंटिन्यू करने में हेल्प करते हैं। इतना जो स्कीम है वो फ्री SSC कोचिंग क्लासेस है जो उर्दू मीडियम के बच्चे उनको इंग्लिश, साइंस और मैथ्स के तीन सब्जेक्ट्स में जब भी कॉलेज होती है तो उनको हम लोग कोचिंग प्रोवाइड करते हैं।
करियर गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं एवरी संडे हम लोग के ऑफिस में, हम सब मेंबर्स जो है वेरियस फील्ड से बिलोंग करते हैं, एवरी संडे हम लोग करियर गाइडेंस के लिए वन ऑन वन स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को हेल्प करते हैं। अपने जो बच्चे हैं मेनली उर्दू मीडियम के जो बच्चे हैं, उन लोग को आफ्टर टेंथ इंग्लिश पढ़ाई में प्रॉब्लम आती है, उसके लिए हम लोग की एक स्कीम है जो इंग्लिश इम्प्रूवमेंट स्कीम बोलते हैं हम लोग, उसके तहत हम लोग बच्चों को इंग्लिश रीडिंग स्पीकिंग राइटिंग ये इसमें हेल्प करते हैं। फिर इसके अलावा जो है एजुकेशनल स्कीम की ये बच्चों को एग्जाम्स के टाइम पे वो आते हैं वहाँ पर वो फैसिलिटी यूज़ कर सकते हैं। ये जनरली स्लम्स में प्रॉब्लम होता है कि उनके पास घर में फैसिलिटी नहीं होती है, आस पास में बहुत सारा शोर शराबा होता है तो पढ़ाई नहीं कर सकते, तो वीडियो रूम की फैसिलिटी है, बुक बैंक की स्कीम है। और इसके अलावा अभी ये नया एक हम लोग स्टार्ट किए उर्दू मीडियम स्कूल एडॉप्शन कर रहे हैं, वहाँ का जो एजुकेशनल ये है उसको इम्प्रूव कर रहे हैं। इसके अलावा सोशल स्कीम जो है, सोशल स्कीम में हम लोग जो है रेशन प्रोवाइड करते हैं सीनियर सिटीजन्स विडोज और फिजिकली हैंडीकैप लोगों को, अलहमदिल्ला 200 फैमिलीज जो है इसमें इसका फायदा उठा रहे हैं। और ये स्कीम जो है पिछले 15 साल से चल रही है, एवरी मंथ बेनिफिशरीज को रेशन किट प्रोवाइड किया जाता है। सोशल में मेडिकल स्कीम में हम लोग जो है एवरी 3-4 टाइप्स के मेडिकल स्कीम्स है, जिसमें से एक है वन टाइम कैश हेल्प हम लोग करते हैं। दूसरा जो स्कीम है वो है एक डॉक्टर फाउंडेशन करके एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें बहुत ही अच्छे डॉक्टर्स का एसोसिएशन है, तो उनके साथ हम लोग ने टाई अप किया है, अपने जितने भी सीनियर सिटीजन्स जो बेनिफिशरीज है उन लोग को हम लोग जो है वहाँ पर चेकअप कराते। और इसके अलावा हम लोग का जो है डायलिसिस के लिए टाई अप है विद तारकन हॉस्पिटल, टाइम की कमी है। इसमें इसके अंदर हम हर साल रमज़ान महीने में 5,000 तकरीबन 5,000 लोगों को जो वॉर एंड रीडियम को राशन पैक प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा मेरी खुद की पर्सनल ट्रस्ट है प्रवास एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट, इसके तहत जो मेरिट में जो बच्चे और खसूस जो लड़कियां हैं उनके लिए हम फीस का मैक्सिमम अरेंजमेंट करते हैं। इसके अलावा हमारी एक और तंजीम है जो दीनी काम करती है, इदारा दाऊदुल कुरान व सुन्नत, उसमें हमने एक लाइब्रेरी जुगनू में कायम की है और इसमें हर हफ्ते में एक दरस होता है कुरान का। इसके अलावा सालाना बच्चों को 10 दिन का एक कैंप लेते हैं जिसमें बेसिक जो एजुकेशनल मालूमात होनी चाहिए वो उनको हम 10 दिनों में गाइड करते हैं जो बेसिक मालूमात को। इसके अलावा जुगनू दारों का मुस्लिम समाज का मैं एक रुकन हूँ और इसमें हम सोशल काम जैसे कि आज़ादी की तहरीक में एक हमने प्रोग्राम किया था, आज़ादी की तहरीक में मुसलमानों का किरदार, ये हमने बहुत बड़ा एक एक्सपोजर दिया था, उसमें दर्दमंद देने तालीम तरक्की उन्होंने भी हमारा बिल्कुल ताउन किया था। इस तरह से हम और एक प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरवान साथी एक ऐसा कार्यक्रम एक प्रोग्राम हमने अरेंज किया और हर साल इस तरह से प्रोग्राम करते हैं। इसी के साथ में हमारे सादिक भाई शेख हमारे प्रेसिडेंट है OBC ऑल इंडिया OBC ऑर्गेनाइजेशन के तहत हम काम करते हैं, जो हमारे इलाके में जो OBC और MT वगैरह में जो बच्चे लोग आते हैं उनको गाइड करना और उनको किस कौन कौन सी कैटेगरीज में उनको शामिल करना, ये इस तरह का हमारा छोटा मोटा काम है, इस तरह से काम करते हैं। जज़ाकअल्लाह। 253 बच्चे दत्तक के लिए मैंने किए कि पढ़ाई के लिए और लावारिस लोग जो रास्ते पे लावारिस लोग रहे थे जो गंदी अवस्था में घूमते हैं ना, उन लोगों के लिए मैं आश्रम खोलाऊँ और जिसको पढ़ाई दवाई के लिए किसको पैसा कम गिरा तो हमारे संस्थित जो भी हम देते हैं और बहुत कुछ काम कर दूँ। वो जाकिर शिकलगर सर ने मुझे बोला कि है तो आना तो मैं आया, शुक्रिया। प्रेसिडेंट सोशल एंड वेलफेयर एसोसिएशन ट्रस्ट हलीमा बाई जुगे वाली ट्रस्ट, हम लोग जो भी नेचुरल कैलामिटीज जैसे
फ्लड आया अभी सांगली कोल्हापुर में, ऐसे कुछ भी जो भी ऐसा होता है तो हम लोग उसके लिए मदद के लिए पहले अक्सर पहले पहले ही जाने की कोशिश करते हैं। पनवेल में भी अभी 27 जुलाई को हमारे यहाँ फ्लड आया था, तो हमने सब ये और ऐसा कई बार करते रहते थे, लेकिन हम लोग पनवेल महानगर पालिका कितनी सफाई करेगी, सब फ्लड का कचरा था तो हमारी टीम ने पूरा पनवेल की सफाई से मतलब लोगों के घर के अंदर घुसकर वहाँ पर पूरा हमारी 70 लड़कों की टीम ने पूरा पनवेल को मतलब ऐसा अच्छे से घर के मतलब पूरी ऐसी सफाई के अंदर हमने मदद की, हर एक घर के घर में गलियों में रास्ते में पनवेल महानगर पालिका को बाहर रास्ते पर ला कर दिए, फिर वो लोग ने वहाँ से भरे, तो आने वाली बीमारियों से ऐसी हमारा बचाव हुआ। और ऐसे ही एजुकेशन लेवल पे भी हम लोगों की मदद चलते रहती है, और ऐसे जो भी वक्त पर रहता है ऐसा इंशाल्लाह करते हैं। अहमदनगर जिले से हूँ मैं, 25 साल से एक स्कूल चला रहा हूँ, अभी 10वीं तक स्कूल एक ग्रैंडेबल है, उसके साथ साथ तरक्की उर्दू आवामी तहरीक एक तंजीम चला रहा हूँ। इसका काम ऐसा है कि जहाँ भी स्कूलें एलपी की स्कूलें बंद होने जा रही है, हम वहाँ जाते हैं, वहाँ के लोगों को समझा कर वहाँ के स्कूल बंद होने से स्ट्रेंथ बढ़ाने की कोशिश इंशाल्लाह करते हैं। और आप लोगों की मुझे एक मदद ऐसी चाहिए, पूरे महाराष्ट्र में उर्दू में आंगनवाड़ी शुरू होने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो अहमदनगर जिले से मैंने जिला परिषद से प्रस्ताव भी दिया था, लेकिन ये स्पेशल स्कीम बना के मंजूर होगा महाराष्ट्र लेवल से, तो हर जिले से ये प्रस्ताव जाना चाहिए ताकि राज्य से ये मंजूर होगा इंशाल्लाह। तो आप सबके जिलों से ये प्रस्ताव इंशाल्लाह जाएगा, तो पूरे महाराष्ट्र में उर्दू आंगनवाड़ी शुरू होगी, हर गांव में 2-5 माँ बहनों को रोजगार मिलेगा इंशाल्लाह। तो ये मेरी कोशिश चल रही है और इसमें आप भी मेरा साथ दें, ये मैं इल्तिजा करता हूँ। मेरा नाम है अब्दुल करीम इनामदार, अखिल बिरादरी खिदमतगार सामाजिक संस्था। 18 जनवरी 2018 में रजिस्ट्रेशन किया हूँ और उसके बाद ये काम चालू किया हूँ। हर सेक्शन में लोगों को मदद करना इस तरह का मेरा प्रोग्राम है, और ये एनजीओ के अपना महाराष्ट्र माइनॉरिटी एनजीओ फोरम का जो आइडिया सिकलकर साहब के साथ में बात हो गई, ऐसे ही बात करते करते और ये सिलसिला शुरू हो गया। अपने मुसलमान लोगों की महाराष्ट्र में जो हालत है दलितों से बदतर है, और इसके बारे में युमा पठान साहब उन्होंने एक लेख लिखा था, उसके बाद मैंने ये काम में दखल लेकर के काम करने का सोचा। मेरा सोच ऐसा है कि एनजीओ अपने अपने जगह पर काम तो करती है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर काम होना जरूरी है। तो हर गांव में हमारा डाटा तैयार होना चाहिए, हमारे आबादी कितनी है, हमारी माली हालत कैसी है, एजुकेशनल हालत कैसी है, सामाजिक हालत कैसी है, और उसके मुताबिक हमको स्कीम बनाना जरूरी है। फिर अलग अलग क्षेत्र के विंग हमको तैयार करना है, जैसे कि एडवोकेट की विंग, प्रोफेसर की विंग, डॉक्टरों की विंग। तो हर क्षेत्र से जिसका जो लेवल है उसके मुताबिक उसको काम दे करके उसके जरिए हमारे कौम का डेवलपमेंट करना चाहिए। और ये डाटा हर गांव से हर शहर से जमा करना ये मैं जरूरी समझता हूँ कि उसके मुताबिक हमको जिसको एक्चुअली ज़रूरत है उसको मदद पहुँचे, और मदद इस ढंग से पहुँचे कि वो प्रोडक्टिव हो, यानी कि भाई मदद मिलती करके लेने की, ये जो लोगों का ख्याल रहता है उसके बजाय जो मदद हम करेंगे उससे प्रोडक्टिव मदद होना चाहिए। तो इस तरह का मेरा सोच है और उस ढंग से मेरा काम शुरू है। मेरा ज्ञान एजुकेशनल एंड वेलफेयर फाउंडेशन बॉम्बे से मेरा ताल्लुक है। हमारा फोकस ऑफ वर्क कैरियर और एजुकेशनल गाइडेंस है, इसके अलावा स्कॉलरशिप बच्चों तक कैसे पहुँचाई जाए इसमें है, और उर्दू मीडियम स्कूल को अपग्रेड करना है, उनके स्टैंडर्ड को उठाना है, क्योंकि अंग्रेजी हमारा कॉमन प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर कंप्यूटर एजुकेशन और स्पोकन इंग्लिश इंट्रोड्यूस करके पीए इनामदार साहब के विजन के लिहाज से उसको वहाँ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो गवर्नमेंट स्कीम के ताल्लुक से मेरा ये तासुर है
कि ये समझिए अंगूर का गुच्छा लटका हुआ उसको हासिल करने की कोशिश कर रही है, नहीं पाती है तो कहती है कि अंगूर खट्टे हैं। हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग जो है वो कोशिश किए बगैर या अधूरी कोशिश करके हार जाते हैं, तो अपनी हार को समाज में फैलाते हैं ये सोच करके कि हमारी शिकस्त की तारीफ है। ये गलत है, ये गलत तासुर है। जब जब हमने देखा कि जब जब फॉर्म सही भरे गए हैं और अगर मेरिट में है, तार मैडम इसकी गवाही देगी कि स्कॉलरशिप मिली है, चाहे वो प्री मैट्रिक हो, पोस्ट मैट्रिक हो, डीटी हो, मेरिट का मीन्स हो, और मौलाना आजाद जो हजरत महल के उससे है, तो दुश्वारियां वो सिर्फ माइनॉरिटी हमारे लिए मुसलमानों के लिए सिर्फ नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी माइनॉरिटी हम ही है, तो दुश्वारियां सिर्फ हमारे लिए नहीं है, सबके लिए है। लेकिन चंद लोग एहसास कमतरी जो फैलाते हैं उसे दूर करने की जरूरत है, और एनजीओ मजीद एनजीओ की जरूरत है। हमारे यहाँ एनजीओ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी तादाद यहाँ शिरकत कर रही है, फिर भी मुसलमानों की आबादी के लिहाज से एनजीओ की तादाद बहुत कम है, इसीलिए गवर्नमेंट की स्कीमों से जो फायदा हासिल होना चाहिए हम हासिल नहीं कर पा रहे और मायूसी का शिकार है। शुक्रिया। हेलो, हमारा नाम है। 1980 में हम लोगों ने जोगेश्वरी में एक इदारा चालू किया था। 84 में रजिस्टर करने के बाद उसके अंदर शरई पंचायत एजुकेशन के लिए फिर स्कूल शुरू हुआ, स्कूल 12 बच्चे शुरू हुआ, आज 2800 बच्चे बच्चियां पढ़ते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो स्कूल 100% ग्रांट पे है। सेल्फ फाइनेंस जूनियर कॉलेज चालू की गई लड़कियों की, और उसके बाद वो स्लम के अंदर था तो स्लम के अंदर ऐसी 55 फैमिलीज है जिनको हम लोग हर महीना 2000 रुपये का राशन बेचते हैं, और इस तरीके का अपलिफमेंट का प्रोग्राम लेकर सब साथ में काम कर रहे हैं। शुक्रिया। जलगांव का रहने वाला हूँ। 2010 में तम्बाकू के शौक की वजह से कैंसर हुआ, एक महीने में 2 मरतबा सर्जरी हुई। अल्लाह तआला से लोगों की दुआ किया कि अल्लाह तआला मुझे जिंदगी हित में ख्याल में बख्शे दे, ताकि जिस वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हुई, मैं मौत के शिकंजे में आ चुका हूँ और भी जिंदगी बचा सकूँ। अल्लाह तआला ने ख्याल में मुझे जिंदगी बख्शी। 2012 पास से मैंने मिशन चालू किया हूँ, अभी तक के 400 पेशेंट के ऊपर कैंसर पेशेंटों की मदद कर चुका हूँ, और ये शौक की वजह से मुझे कैंसर हुआ, ये किसी भाई को किसी परिवार को ये मुश्किल का सामना ना करना पड़े। और जो नौजवान आज हमारे तम्बाकू का शौक रखते हैं, मुझे तम्बाकू से दूर रखने के लिए एक अभियान तम्बाकू मुक्त अभियान चला रहा हूँ। 300 के ऊपर कैंसर तम्बाकू लोगों ने छोड़ चुके हैं, जिसकी वजह से आज जलगांव जिले की डिस्ट्रिक्ट कमेटी में कलेक्टर साहब ने बतौर सदस्य मुझे शासकीय कमेटी में लिए है, और 5 जिलों में तम्बाकू मुक्त अभियान शासकीय लेवल चला रहे हैं। उसके बाद जनमानवता बौद्ध संस्था की मैं स्थापना किया हूँ, और इसके जरिए हम जो कैंसर पेशेंट मुझल इंतकाल कर जाते हैं उनके परिवार का पुनर्वसन स्प्रे मशीन लेके करते हैं, और रमजान में उन्हें किराने का किट देते हैं, और जो कैंसर पेशेंट गुजर चुकर के चार छोटे बच्चे हैं जो स्कूल में जाते हैं मुझे स्कूल का पूरा किट सामान हम बनवाते हैं। जो कैंसर पेशेंट गुजर जाते हैं उनको 1 महीने का किराना उनके घर तक के जलगांव दुनिया अमदोबा जिले तक के हम पहुँचाते हैं, और अल्लाह ताला से मेरी यह दुआ करता हूँ मैं कि अल्लाह ताला आखिरी सांस तक मुझसे यह खिदमत अंजाम दे। मेरा ये जो काम है पब्लिसिटी के लिए नहीं है, एक अल्लाह ताला ने खूबसूरत चेहरा किस तरीके से एक लोगों के सामने मैं आपको बताऊंगा, मेरा एक खूबसूरत फोटोग्राफी है जी हाँ, तो ये मैं ये चेहरे को खूबसूरत मानता हूँ। ये चेहरा जो है आज किसी की जिंदगी बचाने का काम आ रहा है, ये चेहरा मैं खूबसूरत मानता हूँ। बहुत से लोगों के पास में सफर करता हूँ तो लोग मुझे ऐसा उससे देखते हैं कि यार ऐसा है, तो मैं उन्हें बोलता हूँ भाई ये संभव के शौक की वजह से इतना बात कर चुका है अब मत खाओ। और एक मेरा 2 फोटो है, एक पहला अभी का, ये दोनों फोटो मैं घर पर लगा चुका हूँ, तो मेरे बच्चे मुझसे कभी कभी सवाल करते हैं कि आपको ये पहला फोटो किसका है ये किसका है। साहब मेरे पास अल्फाज नहीं रहते हैं उस वक्त जवाब देने के लिए कि बेटा मैंने तम्बाकू के शौक की वजह से मुझे कैंसर हुआ, और कैंसर की वजह से आज तुम्हारा मुस्तकबिल मेरे हाथों बर्बाद हो रहा है। कैंसर है जिंदगी बहुत अल्लाह तला के हाथ में है, बाकी मैं बोनस लाइफ जी रहा हूँ, कैंसर कभी भी नहीं हो सकता है। बाकी
एक अल्लाह ताला के कलमा में ये शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने पूरी जिंदगी मुझे बख्शी दी, खैरात तो सही ताकि कुछ लोगों की जिंदगी बचा सकूँ। आगे एक मिशन है जो कैंसर पेशेंट गुजर चुके हैं, इनकी जो हमारी बहनें जो लड़कियाँ आज शादी के लिए बैठी हैं, 4 फरवरी को एक उम्र में इनकी शादी करने का मैं अजमो में लिया हूँ और 25 से 30 कैंसर पेशेंट का पुनर्वसन इंशाल्लाह फरवरी तक करने का मेरा एक आजमा है। आप दुआ कीजिए अल्लाह सभी हौज जिंदगी मुझे ख्याल का पक्ष दे ताकि कुछ काम में हौज कर सकूँ। अल्लाह स्टेट फाउंडेशन जलगांव से मेरा ताल्लुक रहता है और अपना जो तो इलाज करवाता है, तो हम लोग फर्स्ट एड फाउंडेशन की तरफ से सबसे बेसिक काम ये करते हैं कि बड़े बड़े जो हॉस्पिटल हैं महाराष्ट्र में, उसमें मेन बॉम्बे है, JJKM नायर, JK हॉस्पिटल, KM हॉस्पिटल, टाटा हॉस्पिटल, साइन हॉस्पिटल, ये बड़े हॉस्पिटल्स में उनका इलाज फ्री में कैसा हो या कुछ खर्च भी लगता है तो कौन से NGO उनको हेल्प करती है वो रहनुमाई हम लोग करते हैं, और कौन सा OPD कौन से दिन रहता है, कौन सा बीमारी के लिए आपको कहाँ जाना है, अगर एडमिट होना है तो एडमिट होने के लिए जो तो कौन से आश्रम जैसे गाड़गे बाबा वगैरह के और भी जो आश्रम है वो आपको कहाँ पर फ्री में आपके रिलेटिव को रहने का मिलता है, खाना कहाँ फ्री मिल सकता है, आपके रिलेटिव को खाना कहाँ फ्री मिलता है, और मेडिसिन कहाँ फ्री मिल सकती है, और जो 2 लाख 4 लाख 5 लाख के ऑपरेशन होते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है तो फ्री में उनको करवाते हैं और अच्छे से अच्छा इलाज कराने की कोशिश करते हैं, और अननेसेसरी उनके जो बॉडी का जो डिस्टर्ब होता है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कि ऑपरेशन की जरूरत भी नहीं तो बोलते ऑपरेशन करना है। एक मिसाल दूंगा मैं आपको जिससे मुझे इसकी जो तो हौसला अफजाई मिली कि एक पेशेंट के लिए मैं जब उसको लेकर गया कि मजदूर था तो डॉक्टर ने कहा आधा घंटे का वक्त है आपको और आधे घंटे में डिसीजन लो, 4 लाख रुपए खर्च आएगा, ब्रेन का ऑपरेशन है। मैं वो एम्बुलेंस के साथ वो डॉक्टर JJ में लेकर गया, डॉक्टर ने कहा कि एक दिन इंतजार करो, उसका अगर होश आता है तो ऑपरेट नहीं करना पड़ेगा। यहाँ आधे घंटे में डिसीजन लेने के लगा रहे थे बॉम्बे वाले, एक दिन उसके बाद उसको होश आ गया, उसको ऑपरेशन करना नहीं पड़ा। 2500 रुपए के अंदर वो जो तो पेशेंट 15 दिन में घर पर आया, और ये जलगांव के स्लॉटर हाउस वाले बोल रहे थे 5 लाख रुपए लगेंगे, आधे घंटे में जमा करो। तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट को जो हमने फ्री में इलाज करवाए अपने रहनुमाई के जरिए से, फर्स्ट एड के जरिए से, तो ऐसे महाराष्ट्र के जो भी NGO हमारे लोग चला रहे हैं उनके जो भी खिदमत हम लोग कर सकते हैं उनको रहनुमाई कर सकते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल में काम फ्री इलाज हो सकता है। हजरत इलाही फाउंडेशन इससे के जरिए काम करते थे, मुझे पता ही चला कि अपने करीब में मस्जिद की जगह कब्रस्तान की जगह बहुत रहती है, अपन उसको तवज्जो नहीं देते। बाबरी मस्जिद का जो मामला हुआ तो ये समझो कि अपन को उन्होंने होशियार करे दस्तखत दिया तो अपन काम है कि होशियार हो जाओ, और जितने भी वीरान मस्जिद है मदरसे का कब्रस्तान इस पर तवज्जो दो, तो इंशाल्लाह मुझे 25 साल का तजुर्बा है कि उसमें बहुत सारी कामयाबी मिली और बहुत सारी मिलने की उम्मीद है, तो अपन को जगह लेने की जरूरत नहीं, और इंशाल्लाह जब अपन वक्फों की प्रॉपर्टी पे ध्यान देंगे तो अपन को हुकूमत की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इतना करके अपनी जगह खत्म करता हूँ। समाज सेवा संघ महाराष्ट्र राज्य का फाउंडर सेक्रेटरी हूँ, और अभी हम लोग 1 साल पहले से ही ये काम शुरू हुआ है, लेकिन हमारा जो है कि सकल मुस्लिम समाज सेवा संघ के तौर पर अभी माशाल्लाह सादिक साहब और आप लोग सब हैं, अभी वॉलंटियर लेवल ये कुल बिरादरी, तो आगे चलकर यानी हम तो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ आवर कम्युनिटी, उसका हर कम्युनिटी अपनी अपनी जगह करते हैं, लेकिन आगे चलकर एक इंस्टीट्यूशनल यानी जो प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन फॉर, क्योंकि इंटीग्रेटेड जो अपना है ये अभी फेडरेशन है, हमने जो काजी समाज सेवा संघ का जो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप रखा है हमने मतलब जैसा ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट के डिविजन होते हैं वो डिविजनल लेवल पर हमारे तालुका डिस्ट्रिक्ट और हम डिस्ट्रिक्ट लेवल से रीजनल लेवल और ऐसे कोऑर्डिनेशन करते हैं, और आगे चलकर हमारा अदर जो स्टेट के अंदर काजी बिरादरी का है वो हम ऑल इंडिया काजी बिरादरी करने जा रहे हैं। तो आप लोग कुल अपनी जो बिरादरियां हैं वो सब अपन हर स्टेट लेवल पर हर डिस्ट्रिक्ट पे अपनी हर डिस्ट्रिक्ट की जितनी बिरादरियां हैं वो आइसोलेटेड और इंडिविजुअल लेवल पर काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि अपन सब बिरादरियां डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी काम करें, और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बॉडी होंगी तो उसके कुछ जिम्मेदार, ये एक सकल मुस्लिम के अंदर आगे आए इतना है। उसके अलावा मैं मुस्लिम मराठी साहित्य सम्मेलन की तहरीक से भी जुड़ा हूँ, और वो भी हम चाहते हैं कि जैसे गुजराती मुस्लिम कन्नड़ व्हाट एवर इट मे बी, इसमें का मैं लिटररी पर्सन हूँ, आई एम द पोएट ऑफ 7 लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स, उस हिसाब से मैं अदब के साथ साथ सामाजिक खिदमत और तालीमी खिदमत के अंदर मैं अपने तौर पर अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करने की कोशिश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। 19 ईयर्स
टीचिंग के फील्ड में था। लास्ट ईयर ही अल्हम्दुलिल्लाह मेरा लॉ कंप्लीट हुआ और अगस्त 2000 रिसेंटली अभी एनरोलमेंट और बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र गोवा को हुआ है। बहुत अच्छा लगा लॉ फील्ड के बहुत से लोग देख के अल्हम्दुलिल्लाह। और करियर काउंसिलर हूँ मैं, ऑलमोस्ट 3 जूनियर कॉलेजेस को विजिटिंग लेक्चरर और तकरीबन रत्नागिरी, रायगढ़, सिंधुदुर्ग, मुंबई बहुत से जूनियर कॉलेजेस में वर्कशॉप ऑन इंग्लिश स्पेशलाइजेशन के काम करता हूँ और करियर गाइडेंस के भी बहुत से केसेस हैंडल करता हूँ। उसके साथ साथ ही मेरी खुद की एक खेड़ में एकेडमी है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उसमें ऑलमोस्ट नाम के लिए तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम सेंटर है लेकिन बहुत से सोशल वर्क ऑलमोस्ट वहीं से होते हैं लास्ट 2 साल से। तो और खास तौर से बताने के लिए तो मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन एक चीज है कि ठीक है बहुत सी चीजें चालू है एम्पावरमेंट करियर, तो जो बच्चे जो है करियर ये 12th और ग्रेजुएशन से नहीं बनता, तो एक डिजाइनिंग मेरी खुद की और हमारे एहसान सर के साथ में हसन भाई के एक प्लानिंग शुरू है कि एक ऐसा कुछ प्रोजेक्ट हो जो 5th से आइडेंटिफाई कर सके कि बच्चों में टैलेंट क्या है और एक प्लान के साथ में इम्प्लीमेंटेशन के साथ में वो आगे जाके कर सके, कि ये ना हो कि 12वीं और रिजल्ट में बैठे बैठते मालूम हो कि पता नहीं अभी क्या करना है, सोचेंगे देखेंगे करियर काउंसलर के पास जाएंगे। तो एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसके ऊपर पिछले 1 साल से हम काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह दुआ कीजिए कि बहुत जल्द वो कंप्लीट हो सके और अगर वो हुआ तो पूरे एनजीओ कॉन्फ्रेंस की तरफ से हमारी कोशिश है कि मैक्सिमम स्कूलों को और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन उसका फायदा हो। जज़ाकअल्लाह। मैं वसीउद्दीन सिद्दीकी औरंगाबाद महाराष्ट्र से हूँ, मौलाना आजाद कॉलेज में एडमिनिस्ट्रेशन में हूँ, 1999 से वहाँ वर्क कर रहा हूँ और 1999-2000 से ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन ये तंजीम को हम कुछ नौजवान उन्होंने शुरू किए थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह 12A ATG FCRA रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स सारे डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट्स के हम लोग टाइम पे प्रिपेयर करते हैं। हमारे पास एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल घाटी बोल के है जहाँ पे पूरे मराठवाड़े से पेशेंट्स ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, 1000 पेशेंट डेली होता है। उन पेशेंट्स को दवाइयाँ, दवा, गोलियाँ, खून, एम्बुलेंस सर्विस ये सारी चीज़ें हम लोग मुफ्त में देते हैं। हमारे पास अभी तक हम लोगों ने कभी भी गवर्नमेंट की या किसी से पैसा नहीं लिया है। जो ग्रुप है हमारा, वो ग्रुप हमारा ज़कात और कुर्बानी के चंद जमा करके वो पैसे से तकरीबन साल के 25 लाख रुपया ये इदारा खर्च करता है। ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन भाटी हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स आते हैं सी टी स्कैन, सोनोग्राफी, एक्सरे और इसके साथ साथ जीवनदायी स्कीम, महात्मा ज्योतिबा फुले स्कीम, CM स्कीम, PM स्कीम्स और प्राइवेट NGO से अमाउंट कलेक्ट करके पेशेंट्स को चेक देता है। इसके साथ साथ हम लोग एजुकेशन में भी काम कर रहे हैं। एजुकेशन में पिछले 3 साल से हमने औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, मानेगांव डिस्ट्रिक्ट और परभणी डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर स्टैंडर्ड 5th to 10th दो ग्रुप के अंदर, 5th to 7 और 8th to 10 दो ग्रुप के अंदर स्टूडेंट्स का हम 3 लैंग्वेज में एग्जाम कंडक्ट करते हैं। इसकी फीस होती है 50 रुपीज़, वो 50 रुपीज़ हम ट्रस्ट में यूज़ करते हैं पेशेंट्स के लिए। ये जो बच्चे एग्ज़ाम देते हैं इनको हम लैपटॉप, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर और इसके साथ 100 कंसोलेशन प्राइजेस और हर स्कूल को एक ट्रॉफी देते हैं। ये स्कूल्स में तकरीबन 50 स्कूल हमारे पास एवरी ईयर पार्टिसिपेट हो रहे हैं। अभी तक 7 इवेंट कंडक्ट कर चुके हैं और 22 स्टूडेंट्स हमारे पास पार्टिसिपेट कर चुके हैं। ये एग्ज़ाम लेने का एक ही मकसद है कि बच्चों के अंदर हम MPSC UPSC के अंदर अवेयरनेस लाएँ। हमारे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बहुत सारे हो चुके हैं और हमारी ये कोशिश है कि 100 डॉक्टर 100 इंजीनियर ना हो, अब हमको एक MPSC 1 UPSC चाहिए। औरंगाबाद के अंदर 2 IRS और 1 IAS 3 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 साल के अंदर निकल चुके हैं और ये मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने अपने मुकाम पे भी जो है तो इसकी तैयारी चलाएं, क्योंकि आज वक्त का रहा है कि हमको MPSC UPSC के अंदर अपने बच्चों की तादाद में इजाफा करना चाहिए। इसके साथ साथ ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन ने औरंगाबाद के अंदर 2 या 3 तंजीम ही थी लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज की डेट में 105 तंजीमें ऐसी जो फील्ड पर काम कर रही है, ऐसी तंजीमें जो कि हर्षद जेल से नौजवान जो कि बेकसूर है उनके लिए फाइट करना, या रोटी बैंक हो गई, कपड़ा बैंक हो गई है, या गरीब यतीमों को खाने का नज़म होटल्स में जाके जो तो खाना कलेक्ट करके जो भूखे हैं उनको खाना खिलाना, उसके अलावा लाइब्रेरी, एजुकेशन, ऐसे 100 ग्रुप्स है जिन ग्रुप्स को हमने एक जगह इकट्ठा करके औरंगाबाद एजुकेशन औरंगाबाद NGO फोरम बनाया है, उसका मैं ग्रुप एडमिन हूँ और मैं एजुकेशन से रिलेटेड हूँ, इसीलिए एजुकेशन और मेडिकल दो फील्ड में ही अपनी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। वंदे महाराष्ट्र, पिछले 28 साल से फुल टाइम एक्टिविस्ट हूँ और इंडिया के तकरीबन गैर मुस्लिमों के
सभी समाजों में घुस के काम करता हूँ और 1857 के बाद से मुसलमानों के जवाल के असबाब पर स्टडी कर रहा हूँ और इंशाल्लाह इस मामले की जो भी मेरे पास वो आई है मैं किताबी शक्ल में रखूँगा और मुसलमानों के जितने इदारे ऑल ओवर इंडिया में चलते हैं इनके सिलेबस कोई काम के नहीं है। इस वास्ते हमारे बच्चे अगर कोई अच्छे इंग्लिश स्कूलों से पढ़ रहे तो मुसलमान नहीं रहते और उर्दू स्कूलों से पढ़ रहे तो उनके अपने जो है वो नहीं होता, तो एक अच्छे सिलेबस की भी ज़रूरत है। जो जहाँ तक मेरा ऐसा अंदाज़ा है कि छठी जमात तक आप अपना सिलेबस पढ़ा सकते हैं तो ऐसा कोई सिलेबस भी मुरतब होना चाहिए जो मुस्लिम बच्चों के काम आए। सांगली से आया हूँ और पिछले 20 साल से एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ और बहुत सारे संगठन में संस्था में काम किया हूँ। अभी मुस्लिम आरक्षण के लिए हम ज़्यादातर काम करते हैं और मुस्लिम अधिकार आंदोलन ये संगठन हमने स्थापन की है और अभी जरिया सोशल फोरम इस नाम से रजिस्टर कर रहे हैं एक एनजीओ और मुस्लिम आरक्षण के लिए आंदोलन करते हैं, फिर मोर्चे उपोषण आंदोलन और उसके बारे में आवाज उठाने काम करते हैं क्योंकि आर्थिक सामाजिक शैक्षणिक उन्नति के लिए और संविधान ने हमें जो हक और अधिकार दिए हैं उसके लिए भी आवाज उठाने काम करते हैं और गो हत्या के बारे में और मॉब लिंचिंग के बारे में जो भी कुछ चल रहा है उसके बारे में हमने आवाज उठाई है, ये भी काम करते हैं। क्या हमारे साथ इनामदार सर और मुस्तफा ये हम सभी लोगों ने बहुत काम किया और मिशन का प्रचार और प्रसार पूरी जिंदगी भर में किया लेकिन उनका नाम हमारे कौम के लोगों को ही मालूम नहीं, इसके लिए फातिमा शेख इनके नाम से हमने वो फ्री बुक बैंक लाइब्रेरी और स्टडी सेंटर शुरू किया जहाँ पे बहुत सारे गरीब बच्चे आके दिन भर पढ़ाई करते हैं, उनके साथ कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जो बच्चे हमारे ट्राई कोशिश करते हैं उनको लिए फ्री कोचिंग क्लास देते हैं, ऐसे बहुत सारे काम रहते हैं। वक्त के तकाजा इसलिए माफी चाहता हूं। शुक्रिया। चार में कुछ पेंशनर्स रिटायर्ड ऑफिसर इन्होंने एक संस्था स्थापन करे सातारा एजुकेशनल एंड कल्चरल सोसाइटी, सातारा शैक्षणिक एंड सांस्कृतिक संस्था। इसके जरिए हम साल भर में खुद के जो मेंबर्स है उनका कंट्रीब्यूशन प्लस जकात और सदका इसकी रकम अंदाजे हर साल में 7 से 8 लाख जमा होती है और इसका उपयोग हम समाज में एजुकेशन के लिए करते हैं। हायर एजुकेशन में जो इंजीनियरिंग और मेडिकल को लोग जाते हैं बच्चे जाते हैं उनके लिए मेडिकल एड देते हैं। इसके साथ ही सातारा में जितने भी परित्यक्त है डिवोर्सी है विडोज है इनके लिए जो जॉब ओरिएंटेड कोर्सेस है जैसे कि सिलाई मशीन कोर्स है और ब्यूटी पार्लर कोर्स है ऐसे कोर्स के लिए हम उनकी फी भरते हैं और उनको अपने पैर पे खड़े रहने के लिए मदद करते हैं। वैसा ही रमजान में गरीब लोग जो सतारे में हैं उनके लिए हम रमजान में सिरकुरमा किट देते हैं। इसके साथ ही हमारे जो मेंबर्स बैंक से रिलेटेड है तो उन्होंने भी अभी तक जो बच्चों जिन बच्चों को एजुकेशनल लोन की जरूरत रहती है वो लोन मिलाने के लिए अभी तक बहुत सारी मदद की है। पिछले 14 साल से ये ट्रस्ट सातारा में काम कर रही है। थैंक यू। सातारा जिला सांस्कृतिक आणि सामाजिक सोसायटी ये जो अभी डॉक्टर लियाकत शेख इन्होंने बताई उस सोसायटी में काम करता हूँ। इसके पहले मैं रैत शिक्षण संस्था में प्रोफेसर था और रिटायर हुआ हूँ। रैत शिक्षण संस्था का प्लेसमेंट ऑफिसर करके भी मैं काम किया हूँ। अभी वही काम मैं ये संस्था के लिए करता हूँ, बच्चों को प्लेसमेंट करियर गाइडेंस स्कॉलरशिप इसके लिए गाइडेंस करता हूँ। जिले हुआ है और मैं पुणे से आई हूँ। तंजीम वाले दिन पुणे से वाबस्ता हूँ। ये तंजीम पिछले 25 सालों से तालीमी मैदान में काम कर रही है और माशाल्लाह कुल 45 स्कूलें जो हैं स्कूलों की बुनियाद तंजीम वाले दिन ने रखी है। महाराष्ट्र बल्कि पुणे जिले में जिन जिन जगहों पर उर्दू स्कूलें नहीं थी वहां पर
اردو اسکولیں قائم کرنے کا کام جو ہے وہ تنظیم والدین نے کیا ہے, اور یہ کام اس لیے بھی بڑا ہے کہ اگر یہ 45 اسکولیں پونے ضلع میں نہیں ہوتی تو شاید آج اردو زبان جو ہے وہاں پر ختم ہوتی, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اردو کو زندہ رکھنا ہے تو اردو اسکولوں سے ہی زندہ رہ سکتی ہے. اس کے علاوہ لوناوالا میں یتیم خانہ ہے. تنظیم والدین ایک غیر سیاسی تنظیم ہے, صرف ایجوکیشن کے لیے کام کر رہی ہے. پونے شہر میں پچھلے 2-3 سالوں سے تقریباً 50 سے 60 ٹیچر جو تھے وہ ان کی پوسٹ ویکنٹ تھی. تنظیم کی جانب سے 30-40 اساتذہ کا تقرر کیا گیا, اور جہاں جہاں ٹیچرز نہیں تھے وہاں پر ان لوگوں کو پڑھانے کا یا درس و تدریس کرنے کا موقع دیا گیا, کیونکہ ٹیچرز نہ رہنے سے بچوں کا جو نقصان ہوتا ہے اس کا اندازہ حکومت کو ہوگا بھی تو وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتی ہے. اور ہماری سماج کی یہ حالت ہے کہ بچہ اسکول جا رہا ہے, پڑھ کر آ رہا ہے یا بغیر پڑھے آ رہا ہے یہ پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہے. تو یہ جو نقصان ہو رہا تھا تنظیم والدین میدانی سطح پر زمینی سطح پر یہ کام کر رہی ہے, اور بالکل ان کی کوششیں نتیجہ خیز ثابت ہو رہی ہیں. मराठी माध्यम उर्दू माध्यम आणि इंग्रजी माध्यमाचे एकूण 9 शाळांवरती काम पाहतो. ज्युनियर कॉलेज आर्ट्स कॉमर्स सुरू केलं. इन्शाअल्ला येत्या जूनमध्ये डिग्री कॉलेज ऑफ आर्ट्स कॉमर्स सायन्स ओनली फॉर गर्ल्स सुरू करत आहोत. वैशिष्ट्यपूर्ण म्हणजे कॉम्पिटेटिव्ह बेस्ड एक्झाम्सवरती आम्ही सतत 2009 पासून काम करत आहोत, आणि यशाच्या एका वेगळ्या शिखराकडे आम्ही जाण्याची आतापर्यंतची आमची परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. साधारणतः 37 शाळांमध्ये शिक्षकांना प्रत्येक वर्षी 3 ते 5 दिवसाचं ह्याच हॉलमध्ये ट्रेनिंग असतं. ते ट्रेनिंग आम्ही रोगेचर्चेच्या माध्यमातून इथं आयोजित करतो. रत्नागिरी जिल्हा, रायगड जिल्हा, ठाणा जिल्हा आणि मुंबई इथले शिक्षक तिथे येत असतात. तसंच वेगवेगळ्या क्षेत्रातले ट्रेनिंगसुद्धा मी इथं अवेलेबल करत असतो. आणि कॉम्पिटेटिव्ह बेस हा महत्त्वाचा कसा आहे, मी आज मुद्दाम सकाळी 3-4 लोकांना घेऊन गेलो होतो. लाखोडच एक प्रायोगिक तत्वावर नवीन शाळा सुरू केलेली आहे. सकाळी 7 आलेली मुलं संध्याकाळी 7 कशी असत करत असतात हे त्यांना नेऊन डायरेक्टली अचानक शाळेत नेऊन दाखवलं की मुलं 7 ते 7 न कंटाळता कसे राहतात. आणि त्याला बेस 2 वेदांत शाळा आणि अर्बन मद्रसा त्याच्याशिवाय कोणतं नाही. मॅडम उर्दू मीडियमचं तुम्ही काम करता, उद्या माझी उद्या सोमवार जर असाल प्रोफेसर हसन मुलानी मोगरा ठाणा जिला से. अंडर प्रिविलेज बच्चे जो ड्रॉप आउट्स है या घर में पैदा हो जाते हैं तो उनके बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह नहीं होते, ऐसे बच्चों के लिए एक स्कूल चला रहे पिछले 4 साल से, NIMS से एफिलिएटेड है. इसके अलावा मुस्लिम में लड़कियां थोड़ी सी रिजर्व होती है, हमें उसे तस्लीम करना चाहिए. तो 10वीं 12वीं पास जब हो जाते हैं तो उसके बाद में फर्दर स्टडीज शहरों में जल्दी होती नहीं है उन बच्चियों की. तो उनके पास एक बेसिक काम ये होता है कि या तो कोई ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर ले या फिर दूसरा है कि वो घर में ट्यूशन ले. तो ज़्यादातर शहरों में बच्चियाँ घर में ट्यूशन लेती हैं, नज़दीक के स्कूलों में काम करती है, साथ साथ आधा घंटा काम करने के बाद में उन्हें 3,000-4,000 से ऊपर सैलरी नहीं मिलती. तो ये देखने के बाद मैंने एक टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया जहाँ पर उनको बहुत ही कम रेट पे BCCA और डिप्लोमा इन प्राइमरी एजुकेशन वगैरह की टीचर ट्रेनिंग की जाती है. उसके बाद जब वो जाते हैं तो उनको अच्छी खासी सैलरी मिलती है. इसके अलावा वो लोग ऑनबोर्ड ऑफिशियली अपॉइंट भी होते हैं. ये 2 चीज़ों पर काम हो रहा है. और जिस बहुत सारे लोग यहाँ पर सिविल सर्विस पर काम करते हैं, मेरा थोड़ा सा नज़रिया अलग है. हम लोग MPSC के लिए काम करते हैं क्योंकि मुस्लिम माशरे में UPSC का क्रेज महाराष्ट्र में नहीं है, ये हमारी बदकिस्मती रही है. बेशक UPSC पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए, लेकिन हमारे बच्चे MPSC क्वालिफाई करने के काबिल नहीं है फिलहाल. तो आने वाले 5-7 साल में मेरे से पर्सनल राय है कि हम लोग MPSC के लिए काम करें. तो मुमरा में एक छोटा सा स्टडी सेंटर चलाया जाता है, उसके बाद में जब बच्चे नरिश होते हैं तो ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का फ्री MPSC कोचिंग क्लासेस है, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई की कोचिंग इंस्टीट्यूट से हम लोग बच्चों को वहाँ फॉरवर्ड करते हैं.
इन तीन लेवल पर काम हो रहा है। फिलहाल आगे हमारे जो फ्यूचर प्लान है वो इंशाल्लाह दारुल कजा एक शुरू करना है, आलिम और वकीलों को लेकर जो ट्रिपल तलाक बिल वगैरह पास हुआ है उसका एक सब्स्टिट्यूट ये है कि मुसलमानों के इलाकों में मुसलमानों के खुद के कोर्ट्स होने चाहिए जो दारुल कजा की शक्ल में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और वक्फ बोर्ड की तरफ से मिल सकते हैं। और हम हमारे खुद के कोर्ट जहाँ पर निकाहनामा गैजेटेड निकाहनामा और तलाकनामा इशू कर सकते हैं वहाँ के काजी वगैरह, इस पर हमारा काम शुरू होने वाला है। सादिक भाई शेख के साथ में मिलकर हमें ओबीसी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन मुसलमानों को आरक्षण के ताल्लुक से कई बार बात करते हैं, लेकिन मुसलमानों में एक तबका ऐसा है जो ओबीसी आता है वो ओबीसी कैटेगरी में रिजर्वेशन हासिल कर सकता है। तो सादिक भाई शेख जो हमारे हैं सातारा से, उनके साथ में मिलकर थाना जिला पर ओबीसी मुसलमानों को लेकर काम शुरू करना है। और मेरी पर्सनल जो इंटरेस्ट है, जो मेरा पर्सनल अट्रैक्शन है, वो वक्फ टास्क फोर्स को ज्वाइन करना है। तो इंशाल्लाह गरीब सलीमुल्लाह भाई के साथ में कॉन्टैक्ट कर उनसे रब्ता कायम करके थाना में भी वक्फ टास्क फोर्स के लिए काम करने के मेरी नियत है इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तंजीम ऐसी है हमारी कि इसमें हमने एक पुल का काम, ब्रिज का काम किया है पूरे समाज में। वो इस तरह से कि मैं खुद जमीदुल मन का वहाँ का सेक्रेटरी हूँ, ये एमपीएससी के ये मतलब बहुत सारी तंजीमों में अलग अलग काम करने के जितने भी अशखास है सबको एक जगह लाने के एक फायदा ये हुआ है कि सभी काम के लिए, फिर वो तालीमी हो, सकाफती हो, सामाजिक, हर तरह के काम के लिए हमें बहुत आसानी हो रही है। हमने एक सेंटर खोला है माइनॉरिटी डेवलपमेंट सेंटर, जिसके तहत पूरे स्कॉलरशिप का अवेयरनेस, उसी के साथ में करियर गाइडेंस के प्रोग्राम ले रहे हैं। अलहमदिल्ला एहसान से एक बार स्पीकर के तौर पर मोटिवेट करने आए थे, उसी के साथ दुलजे सर वो भी आए थे, तो उसका बहुत फायदा हुआ कि एक छोटी सी बस आपका एहसान सर पता देने बजाय मतलब दो मिनट की कि एक मैं जब स्कॉलरशिप के लिए जब हम वहाँ बैठते हैं तो बहुत से लोगों का जब कॉल आता है या बहुत सारी चीज़ें होती, तो कुछ लोगों ने कहा कि सर हम माइनॉरिटी में नहीं आते, हालांकि वो मुस्लिम है लेकिन बोले हम माइनॉरिटी में नहीं आते। बोले किसने कहा? बोले नहीं पिछले साल हमको स्कॉलरशिप नहीं मिली। तो माइनॉरिटी क्या है ये समझाने से लेकर शुरुआत करने की नौबत है एक बात है। तो उसी के साथ जाकिर बने मैं करार लेवल पर काम कर रहा था, जाकिर हमारे 2005 से शुरू किए हमने पहला काम उधर, जो मरने के बाद जो जरना जो भी कपड़ा जो लगता है गरीब लोगों को या पैसे के लिए रुकता है, इस वजह से हम एक महीने में कम से कम 25,000 रुपए हम खर्च करते हैं आधार संस्था। हालांकि वो पहले काम बहुत चालू किया हमने, और दूसरा काम हमने खुद की संस्था एक कोटि 30 लाख रुपए की खुद की जगह हमने बनाए हमने। और उधर जाकिर भाई ने भी विजिट दिए कि हालांकि 5-star होटल जैसा हमने उधर बनाया है एनजीओ संस्था, और उसमें एक हॉल बनाया, लाइब्रेरी बनाए, और हर साल हम 1,000 लोगों को खीर का सामान देते हुए उधर चलता है, और बकरी में कम से कम 100 जानवर हम कत्ल करते उधर काटते हैं, और उसका जो पैसा आता है उसमें दवा खाना, शादी, जो जो जरूरत पड़ती है वो हम उधर से एनजीओ संस्था की तरफ से हम काम करवाया। और जाकिर भाई ने भी मुझे देने के बाद, और हमारे को जब मंडी पटेल ने भी हमारे को 10 कंप्यूटर प्रशिक्षित देने का उत्तर दवा जो दवा भी दी है, और आने वाले कुछ दिनों में हमारा ट्रस्ट है मुस्लिम वेलफेयर फाउंडेशन इचलगंजी। तो इचलगंजी के अंदर हम लोग का काम जो है कि हमारा जो काम जो है कि हमारी खिरता दवा का नाम लोगों ने चालू किया हुआ है जो मुस्लिम महिलाओं के लिए खासतौर से है, और डॉक्टर भी मुस्लिम महिला रखे हुए, हर मस्जिद के इलाके में हमारी गाड़ी जाती है और हर रोज 3 मस्जिद का इलाका करती है, उसमें से कम 100 पेशेंट जो है लेडीज का जो प्रॉब्लम्स है वो लेडीज बोल के मतलब सॉल्व करने के हिसाब से हम लोग वो कोशिश कर रहे हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर वो काम अपना चल रहा है। दूसरा काम हमारा चल रहा है 10वीं के बच्चों के लिए ये साल से अभी कि फ्री ट्यूशन मतलब मैथ्स का, गणित का और साइंस का, ये अभी ये साल से फ्री बच्चों के लिए जो अभी जो 7,000-8,000 फी नहीं दे सकते बच्चे 10वीं के लिए, तो वो बच्चों के लिए जो है टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट में अभी हम लोगों ने चालू किया है, और तकरीबन 30 से 35 बच्चे अभी वहाँ पे ट्यूशन ले रहे हैं। तीसरा काम हमारा जो है
जो हमारे यहाँ पे राइट्स हुए थे 2009 में, जो सांगली के अंदर जो गणपति के टाइम में जो राइट्स हुए थे, तो वो टाइम हम लोगों का मतलब इतना इच्छलगंज के अंदर इतना बड़ा नुकसान हुआ कि हम कभी सोच भी नहीं सकते। हुआ मीरज के अंदर नुकसान हुआ इच्छलगंज के अंदर, तो वो टाइम के अंदर हम लोगों ने सोचा हमारे सब मुस्लिम फाउंडेशन एक जगह आ गए, आके जो ऐसा प्रस्ताव हम लोगों ने कि हिंदू मुस्लिम एकता के हिसाब से हम लोगों ने गणपति विसर्जन के टाइम में आने वाले गणपतियों का स्वागत किए, तो उसका एक फायदा बेनिफिट ये हुआ कि वहाँ पे पूरा पूरा मतलब जो जातिवाद तनाव था पूरा 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 खत्म हुआ है। अभी हम लोग ये 2010 से वो स्वागत का काम कर रहे हैं, अभी भी कंटिन्यू चल रहे हैं। तो पांचवा काम हमारा ये है, जो लोग हज जाते हैं उनका जो है फॉर्म मतलब हज कमेटी जो लोग जाते हैं उनका फॉर्म भरने से लेके बॉम्बे पहुंचने तक का सब पूरा काम करते हैं। उनका ट्रेनिंग का काम आया, हाजियों का ट्रेनिंग का काम, उसके बाद में हाजियों को पैसे पूरा उनका भराने का काम, और उसके बाद में इच्छल करेंसी से लेके बॉम्बे तक अपनी लग्जरियों से फ्री पहुंचाने का काम, और वहां से एयरपोर्ट तक पहुंचाने का काम हम लोग मुस्लिम वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से करते हैं। जैसा कि संत ने कहा है, आरिफ मोहम्मद मुल्ला जी मेरा नाम है। खेड तालुके लेवल पर छोटे मोटे सोशल वर्क जो भी काम हो रहे हैं, बेसिकली मैं चार ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ एक्टिवली। पहला तो जैसा कि सर ने कहा कि अलमदीना वेलफेयर एसोसिएशन, जिसका मैं फिलहाल सेक्रेटरी हूँ, उसकी हमारी एमआई हजवानी इंग्लिश मीडियम स्कूल है, तकरीबन 1450 स्टूडेंट है, अनएडेड है डेफिनेटली इंग्लिश मीडियम में। दूसरी तो है खेड़ तालुका मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन, उसमें एक प्रोजेक्ट चेयरमैन जिसमें एम्बुलेंस हम चला रहे उसका प्रोजेक्ट चेयरमैन हूँ। बैतुलमाल खेड़ हमारा 2007 से रजिस्टर्ड है, उसमें मैं एक्टिवली हम लोग काम कर रहे हैं, और खेड़ काउंसिल फाउंडेशन। अभी सर ने कहा है कि एजुकेशनल में जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो उसके ऊपर बात करनी है, मैं मुख्तसरन इसमें कोशिश कर रहा हूँ। आज की जो तालीमी जो सरगर्मियाँ चालू है, बेसिकली जैसा कि अभी बहुत सारे हमारे लोगों ने कहा, हमारे मैडम ने भी कहा कि उर्दू स्कूल्स के बंद होने की वजह से और कोकण में थोड़ा सा अलग सा एटमॉस्फेयर है। कोकण में वे 20 साल से लोग उर्दू को आहिस्ता आहिस्ता कम करके इंग्लिश मीडियम में जा रहे थे, और उस वक्त खेड़ में कोई भी मुस्लिम इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं थे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के, तो उसके काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स सामने आ रहे थे। तो उस वजह से हमने उसको किसी तरह से इशू ना बनाते हुए हमारा अलमदीना वेलफेयर एसोसिएशन इस्टेब्लिश करके एक स्कूल शुरू की, और पहले ही साल से हमें अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी उसका रिस्पांस मिला। उस वक्त जब 2000 में हमने स्कूल शुरू की थी, उस वक्त खेड़ के जो इंग्लिश मीडियम एक ही स्कूल है ज़्यादा करके, यानी अभी भी वहाँ पर 1500 स्टूडेंट, हमारा स्ट्रेंथ पूरे स्कूल का तो 1450 है। दूसरे स्कूल जो चल रही है पहले से उसका इंग्लिश मीडियम में ही, वहाँ पे भी 1500 स्टूडेंट मुस्लिम हैं। उस वक्त 2000 में वहाँ पे उन लोग 10,000 डोनेशंस ले रहे थे, आज हम उतने डोनेशन पे काम कर रहे हैं। 2000 उस वक्त हमने 2000 रुपये लिया था, तो ये एक बहुत बड़ा फायदा समझ को हुआ कि हमने कम पैसे में लोगों को तालीम देने की कोशिश की। दूसरी बात, आज एजुकेशन जैसा कि आप हम सभी को मालूम है, और इसके ऊपर बहुत सारी बात हुई कि उर्दू मीडियम के स्कूल्स तकरीबन उनका बंद होने के करार पर है, और हम ये चीज़ मेरे ख्याल से हाथ से निकल गई, मुझे मालूम नहीं है, करिश्मा ही अगर होगा, अगर हम कोशिश करें, हो सकता है नहीं भी नहीं तो हम उसको बचा सकेंगे, मगर अगर ऑप्शंस नहीं है तो एजुकेशन तो अभी लोगों का भी रुझान इस तरह से है कि जीरो बजट के भी लोग जिनके पास पैसे डकैत पे चल रहे वो भी लोग आज इंग्लिश मीडियम की तरफ ही आ रहे।
उस सब चीज को देखते हुए मैनेजमेंट ने हमने उस वक्त अभी फिलहाल जो हमने डिसीजंस लिए उसमें जो यतीम बच्चे हैं उनको हम तकरीबन 75% फीस वेव करते हैं, उनकी 25% हम पर्पस भी ले रहे कि थोड़ा सा उनको भी कुछ उसका ये हो। उस हिसाब से जो इमाम्स या जो हमारे इमाम हैं मस्जिदों के उनकी तनख्वाह आज हम सबको भी हो, वो भी एक मौजू है। दूसरा उनके बच्चों के एजुकेशन के बारे में अगर हम देख रहे तो उनको भी हम 50% फीस वेव कर रहे। तीसरा जो हमारे लो बजट जो हमारे रिक्शा वाले है या ऐसे जो लोग हैं जिनकी आमदनी उतनी नहीं और आज फीस उतनी है लोग स्कूल्स के तो उनको भी हम 50% एजुकेशन वेव कर रहे। स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह हम हमारे स्कूल में बहुत सारे काम या बहुत सारे गाइडेंस हमारे टीचर्स को भी दे रहे, हमारे स्टूडेंट्स को भी दे रहे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में हम हमारे बच्चों को अप्रिशिएट कर रहे हैं। ये सब चीज़ें स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन को देखते हुए एक एजुकेशन एक तो एक हमारा जो मकसद है वो उसके ऊपर एक फोकस करते हुए अदर जो सोशल इश्यूज आज समाज में आ रहे हैं उसके लिए हम हमारे स्टूडेंट को और हमारे पेरेंट्स को वक्तन फौक्तन हर साल काफ़ी सारी काउंसलिंग होम्स में कर रहे। तो ये मेरे ख्याल से ऑर्गेनाइजेशन अगर काम कर रहे हैं एजुकेशनल फील्ड में तो उनको ये चाहिए कि जरूरी है कि न सिर्फ वो हमारे स्कूल खुलने तक हम या उसके मैनेजमेंट में रहने तक उसमें महदूद रहे बल्कि ये जो प्रॉब्लम्स हमें फेस हो रहे जो गरीब बच्चों की तालीम का हो या स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन का हो या अदर जो चीज़ें हैं जो बच्चों के एटीट्यूड्स हो या बच्चे जिस तरह से एक समाज जिस तरह से जा रहा है अगर वो गलत तरीके पर जा रहा है तो हम उसको किस तरह से रोक सकते हैं। ये एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर ये चीज़ें बहुत आसानी से हम कर सकते हैं जहाँ पर हमारे पास इतने 500 या हज़ार या 1500 अगर स्टूडेंट है तो उतने ही हमारे पेरेंट्स है। अगर हम उनको किसी तरह से बुलाकर उनकी काउंसलिंग करके एक हमारी जिम्मेदारी समझ के अगर ये बातें हम उन तक पहुंचा सके तो मैं समझता हूं कि उसके ऊपर हम काफी सारा कंट्रोल कर सकते हैं और हमने ये कर भी रहे हम लोग। तो ये एक बात उस हिसाब से हो गई है। दूसरी जिस दूसरे प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूं जो है वो एम्बुलेंस का प्रोजेक्ट है। मुझे याद है मैं बहुत छोटा था तकरीबन 20-25 साल की बात होगी एक 10-15 किलोमीटर के लिए खेड़ में एक एम्बुलेंस वाले ने 1000 रुपया उस 25 साल पहले लिया। कोई भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस के एम्बुलेंस नहीं थे, बहुत सारे लोगों को इसका प्रॉब्लम्स हो रहा था। हमने वो एक एम्बुलेंस शुरू की जो गरीब जिसके पास अफोर्ड नहीं कर सकते उनको काफ़ी फ्री में हम उसकी फैसिलिटी देते हैं या जो अफोर्ड कर सकते हैं उनसे एक मुनासिब ये कर सकते हैं मुनासिब उसका जो रेंट है वो देते हैं। तीसरा जो हमारा है बैतुलमाल खेड़ तकरीबन 99% हमारा ज़कात का कलेक्शन रहता है और हर साल तकरीबन 18 लाख तक का हमारा 17-18-15 लाख तक का कलेक्शन रहता है। तो उसमें बेसिकली हम एजुकेशनल के लिए जो यतीम बच्चे या जो इकोनॉमिकली वीकर है या जो ज़कात के मुस्तहिक है उन तक पहुंचकर उनका एजुकेशनल का हमने डिक्लेयर किया वहाँ कि भाई खेड़ या अतराफ में अगर कोई बच्चा एजुकेशनली पैसे की वजह से रुक रहा है तो इंशाल्लाह हम उसको मदद करने के लिए तैयार है। एक बहुत बड़ा काम हो रहा है और मैं समझता हूँ कि ये एक अगर हम इनिशिएटिव ले तो ये ऐसे छोटे बैतुलमाल अगर हम हमारे शहरों में या गाँव में अगर हम कोशिश करें तो बहुत इजीली हम कर सकते हैं। हम लोगों को उसके उत्तर ध्यान देना चाहिए। सिर्फ ये नहीं है मेडिकली आज जैसा कि हमारे भाई ने कहा कि लाखों रुपए के मेरे ख्याल से मेडिकली अगर हम जा रहे तो खर्चा हो रहा है तो सबसे पहले तो हम उनको और एक एजुकेशनली अगर जो प्रोफेशनली एजुकेशन के लिए लोग आते हैं तो हम उनको काउंसलिंग करते हैं कि वो जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है वो सबसे पहले अवेल करें उनको लेने की कोशिश करें या उनको वो गाइड करते हैं और लेने की कोशिश उनको देते भी। मेडिकल में भी हमने
उसी तरह से लोगों को एक किया कि जो स्कीम्स है सबसे पहले उसकी हम लोग लास्ट तीन चार पहले कासिकर की टीम के साथ हमारा टाइप हुआ था, उन्होंने मेडिकल कैंप लगाया था, तो उसके चार महीने के बाद हमने तकरीबन 50-60 लोगों को वहां पर बेचकर फ्री मेडिकल फैसिलिटीज उनको दी। ये मेरे ख्याल से बेल बज रहे हैं, थोड़ा सा एक और अच्छा। तो खेड काउंसिल फाउंडेशन में जो हम लोग काम कर रहे हैं, आज मैंने देख रहा हूं कि वो हमारे जिन्हें जो भी लोग यहाँ पे काम करे एजुकेशनल फील्ड में या अदर सोशल एक्टिविटीज में, जो बहुत ही जरूरी है, दो चीजें मैं समझता हूँ जो मुझे एक्सपीरियंस आई है कि सोशल वर्क करते वक्त हमें जो फोकस रखना चाहिए, जो हमारे लोग हैं, जहाँ तक हमें उन तक हमको पहुँच कर वो उनके जो फैसिलिटी हमारे पास है उनको अवेल उनको देना चाहिए, हमारी जिम्मेदारी बनती है। न कि हम अगर सोशल वर्क करते हैं या हम लोगों के ऊपर मेहरबानी करते हैं, इस तरह की मेहरबानी की मेरे ख्याल से समाज को बिल्कुल जरूरत नहीं। हमको एक हमारी जिम्मेदारी, हम अपने शौक से इस फील्ड में आए हैं, तो ये कोई कमर्शियल फील्ड नहीं है, लेकिन जो भी है उसके लिए जो खर्चा होता है वो तो होता ही है, लेकिन फिर ये जो चीजें हैं, जो भी हमारे पास फैसिलिटी एजुकेशनल हो मेडिकल हो, तो सबसे जो बात छूट रही है वो हमारे बच्चों के प्लेसमेंट की। एक तो लोगों ने मेरे ख्याल से कहा कि वो प्लेसमेंट के लिए भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत जरूरी है आज के तारीख में। हम एक ऑर्गेनाइज बेसिस पर मेरे ख्याल से अभी स्टार फाउंडेशन ने काफी अच्छा वो जॉब कार्ड का ये किया है, और ये बहुत जरूरी है दानिश भाई, और इसको बहुत ज्यादा अच्छे से फैलाना चाहिए। बच्चे नेट के पोकर में या अतराफ के जो यहाँ पे भी जो लोग जमा हैं उनको भी ये कॉन्सेप्ट समझे, तो लोगों को हमारे बच्चों को जॉब्स लेने में काफी आसानी हो सकती है। दूसरी चीज हमने ये देखा कि लोगों को मदद करते हो, न सिर्फ उनको मदद की जाए बल्कि उनके फैमिलीज में से अगर कोई बच्चे या अगर जैसा कि विडोज है या अगर मुतलक्का होते हैं उनको भी अगर हम किसी तरह से उनके पैरों पे खड़े करने की कोशिश करें, तो ऑर्गेनाइजेशनल बेसिस पे इस तरह के काम होने चाहिए, न कि सिर्फ हम उनको सिर्फ मदद करते बैठे और वो डिपेंडेंट हो। ऐसा भी देखा गया है कि उसमें उसकी अभी क्या कह सकते हैं उसको कि लोग उसके ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हैं और वो बच्चे काम नहीं कर रहे, उनको आसानी से बहुत सारी चीजें मिल रही है। तो ये जो माइनस पॉइंट्स है हमारे कम्युनिटी में हो सकते हैं, वो एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, मगर हमें इसके ऊपर एज अ सोशल वर्क या ऑर्गेनाइजेशन हमें उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है कि इसके जो मनफी असरात है वो कहीं ना कहीं उसको कोशिश करें, उनको काउंसिलिंग करें कि भाई ये मदद तो ठीक है हम टेम्पररी दे रहे हैं, मगर हम चाहते हैं कि आप अपने पैरों पे खड़े रहे। और अगर हमारा बैतूल माल के इसमें से अगर मैं कहूं कि हमने कोशिश की है कि लोगों को कि भाई अगर वो कर सकता है कोई बिजनेस छोटा मोटा उसको, तो उसको भी हम उसको फंडिंग करने की कोशिश करते। जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सारे माशाल्लाह सब लोग यहाँ पर बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, जरूरी है। दूसरी चीज जो हमारे पास छूट रही है, मुझे मालूम नहीं, और या एक तो हायर एजुकेशन का बहुत बड़ा मसला, अगर हम थाना या मेरे ख्याल से रायगढ़ में एक कॉलेज है सीनियर कॉलेज हायर एजुकेशन का, अगर वो छोड़े कम से कम मुझे रायगढ़ में या रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में मेरे ख्याल से एक भी नहीं, ये बहुत बड़ा अलमिया। और आज के जो सोशल प्रॉब्लम्स जैसा कि हम देख रहे हैं और आप सभी भी वाकिफ है कि हमारी लड़कियां जिस तरह से उस तरफ गैरों के साथ उनकी तरफ रागिब हो रही, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, इसके ऊपर बाकायदा काम हो रहा है किसी ने तरफ। तो ये अगर इस चीजों को हमें रोकना है या हमारे जो ड्रॉप आउट्स है उसे अगर हमें रोकना है तो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के सीनियर कॉलेज होना बहुत जरूरी है। पिछली बातों को सिर्फ गिनाकर हम वहां पे रुक नहीं सकते, हमें आगे बढ़ के इन सब चीजों के ऊपर काबू करना पड़ेगा, और हाथ से हमारे कुछ निकल न जाए।
तो ये सीनियर कॉलेज का एक किसी तरह से हमें देखना पड़ेगा कि हम कैसे, और कोकण के एरिया में जहाँ जमीने की हमारे पास कमी न थी, पैसों की कमी न थी, मालूम नहीं किस वजह से ये सब चीजें हमारे रह गई, ठीक है, वो हमारे अगर खिदमत से अगर हो सकती है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें उसकी कोशिश करनी चाहिए। एक बहुत बड़ा एक मेरे दिमाग में आइडिया, मैंने क्या मेरे ख्याल से एहसान सईद सर से मैंने डिस्कस किया था कि अल्लाह के फजल करम से हमारी कौम में बहुत बड़े बिजनेस लोग भी है, तो अगर रिलायंस का अगर हिस्ट्री ली जाए तो मेरे ख्याल से 30-35-40 साल की हिस्ट्री होगी, टाटा बिरला तो माशाल्लाह बहुत पुराने हैं, तो फिर मुस्लिम कॉर्पोरेट सेक्शन फैमिलीज क्यों नहीं है? इसके ऊपर किस तरह से हमें ध्यान देनी चाहिए, एक फिक्र करनी चाहिए, और मैं समझता हूँ अगर हमारे इतने सारे इंटेलेक्चुअल्स लोग यहाँ पर है तो एक ऐसा नहीं, ये कोई खैराती बात नहीं, ये कोई खैराती इदारा नहीं, अगर जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं या जो इन्वेस्ट करेंगे उनको उनका बेनिफिट मिलने वाला है, हम सिर्फ देखेंगे कि हमारे 5-25 नौजवान उस तरह के वहाँ पे कैसे काम को लग जाए, अगर ये भी हमें अगर किसी तरह से हम कर सके तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी चीजें होगी, और मेरे ख्याल से हमें इस तरह से फोकस करने की जरूरत है। एक चीज हमें हमेशा सुनते आ रहा हूँ कि पॉलिटिक्स से हमें कुछ लेना देना नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ कि पॉलिटिक्स के बगैर भी हम आगे बढ़ नहीं सकते, और जो आज हालात हमारे यहाँ हमारे ऊपर आ रहे हैं गए 10 साल से तकरीबन, इसकी वजह यह है कि दिल्ली से लेकर दिल्ली तक कोई भी लीडरशिप क्रिएट नहीं हुई, बहुत बड़ी सोचने की मुकाम है यहाँ पर, और हमें इस तरह से पॉलिटिक्स से दूर रह के ये हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है, उसको किस तरह से हम रोके और किस तरह से हमें अपने वो लीडरों को प्रमोट करें या आगे करें, इसके ऊपर भी हमें फिक्र होनी चाहिए। ये कुछ चीजें मैं आपके सामने मेरे एक्सपीरियंस रखा हूँ, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप सबका कि मुझे बोलने का मौका दिया। महाराष्ट्र मैराठी फोरम ये जो हम यहाँ इकट्ठा हुए, एक्चुअल में ये जो टॉपिक है ये शुरुआत में ही होना चाहिए था कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसके एम्स क्या है, और ये प्रमोटर है जनाब जाकिर शिकलकर साहब जो मुसलसल 1.5 सालों से इसके लिए काम कर रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो इंट्रोडक्शन ऑफ मैराठी एनजीओ फोरम और इसके ऑब्जेक्टिव्स एम्स के बारे में मुख्तसर में रोशनी डाले। अल्लाह ताला का बड़ा लोग ऐसा मंद है और शुक्रगुजार है कि आज दापोली में महाराष्ट्र माइनॉरिटी एनजीओ फोरम की फर्स्ट पहली स्टेट लेवल की कॉन्फ्रेंस हो रही है। इसके पहले 3 कॉन्फ्रेंस वनडे हो गई, लेकिन यह पहली कॉन्फ्रेंस है जो स्टेट लेवल है। इस कॉन्फ्रेंस के लिए आए हुए सभी जिम्मेदार और मेरे साथी, नाम अभी लेता नहीं सबके क्योंकि वक्त नहीं है, सबका मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ और शुक्रगुजार हूँ। महाराष्ट्र माइनॉरिटी फोरम की शुरुआत जो पुणे में 16 सितंबर को हुई, उसके बाद में दूसरी कॉन्फ्रेंस मुंबई में हुई, उसके बाद में तीसरी कॉन्फ्रेंस वनडे की रत्नागिरी में हुई, और करीबन वहां से लेके हम लोगों ने सोशल मीडिया का बहुत इस्तेमाल किया है। कभी कभी मेरे पोस्ट से बहुत सारे लोग परेशान भी होते हैं, लेकिन सोशल मीडिया यही हमारा एक कामयाबी का रास्ता बन गया, इसलिए मैं सोशल मीडिया को व्हाट्सएप को मैं मोस्टली छोड़ता नहीं, बार बार मेरे मैसेजेस आते रहते हैं और आप भी सह लेते हैं, इसलिए मैं फिर से एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ। ये कॉन्फ्रेंस हमारी जो है वो 3 दिन चलने वाली है, और पहले 2 दिन में यानी कि आज जो हम लोगों ने सेशन शुरुआत में एनजीओ प्रेजेंटेशन का लिया, क्योंकि बहुत दूर दराज से लोग आने वाले थे, करीबन रात को 4 बजे तक 4:30 बजे तक भी लोग आए और सुबह 5:30-6 बजे भी लोग आए, तो ये और भी आज भी लोग जुड़ रहे, रात को 40 से लोग ज्यादा थे, और भी लोग बहुत सारे आना चाहते हैं, लेकिन समझो लोकेशन की वजह से हम लोग कुछ तादाद कम आ रही है, लेकिन हमें गर्दी नहीं चाहिए, हमें दर्दी चाहिए,
और दापोली क्यों लिया ऐसा भी कुछ लोगों ने कहा था। तो हम लोगों ने जब सोचा था कि जो कोर टीम हमारी बनी है, हम लोग माशाल्लाह 95 से ज्यादा लोग कोर टीम में मैंने चुने थे, उसमें से 40 तक लोग मेरे से हमेशा हफ्ते में गुफ्तगू होता था, व्हाट्सएप पर हमारा कोर टीम पे चैटिंग होता था, उसमें उनके लिए हम लोगों ने वनडे का कॉन्फ्रेंस 30 जून को लिया था। और मेरे ध्यान में आया था कि हम लोग डायरेक्ट 3 दिन पे नहीं जा सकते, तो हम लोग पहले 1 दिन का लिया। तो 1 दिन में भी क्या होता है कि आने कुछ 11 बजते है और आने को लेट होता है और जाने को जल्दी होती है, तो काम नहीं बनता। तो हम लोगों ने सोचा कि दिन के रास्ते में हमारे मौलाना दानिश लांबे और बहुत सारे इरफान भाई जो हमें दिन के रास्ते में दिन के इसमें मुझे मदद करते है, तो बोला 3 दिन वाला जो काम है ना, वो 3 दिन वाला हम लोग भी क्यों ना पकड़े। तो इसके सोच रख के हम लोगों ने 3 दिन वाला काम पकड़ लिया। तो इसमें से हमें सोचा 3 दिन में हम लोग समझो 30 घंटे इकट्ठा होने वाले हैं, 30 या 40 घंटे, लेकिन उसमें से 12 घंटे तो हमारे काम के इंशाल्लाह जरूर निकलेंगे। तो ये सोच पकड़ के मैं ये अनाउंस किया और काफी तादाद में इस यहाँ सब आ गए। मेरी तो ऐसी तमन्ना थी कि 100 लोग मुझे चाहे थे टारगेट, क्योंकि 40 से मुझे जैसे बोला मुझे फौरन जल्दी होती है वर्क कि जल्दी जल्दी तादाद बढ़े। तो इंशाल्लाह वो मेरी फिक्र वाला ने कामयाब किया और हमारी कोर टीम 40 से लेके इंशाल्लाह 100 क्रॉस की, इसके हम लोग यानी कि अल्लाह का वो शुक्र अदा करते हैं। तो ये एक हमारी आज की कामयाबी है। ये जो हम लोगों का जो प्लेटफॉर्म बना है एनजीओ माइनॉरिटी एनजीओ फोरम, ये स्टेट लेवल का बढ़ गया है। और इसके बढ़ने का भी अगर मैं बोलूंगा और एक पहलू, तो अभी करीबन हर जिला के माइनॉरिटी फोरम का ग्रुप है, राज्य स्तरीय हमारा एक महाराष्ट्र ग्रुप भी है, जहाँ जिसमें जिला के लोग नहीं है वो महाराष्ट्र ग्रुप में है और कोर टीम अलग से है। बाद में हमारा एचआर एंड लीगल का एक टीम है, यानी कि लीगल के सेक्शन पर भी हम लोगों ने काफी मेहनत की है। अभी आरिमुल्ला जी बोले कि लीगल के और कुछ साथी ने बोले कि लीगल के लोग बहुत है, तो हमारे बहुत से प्रॉब्लम है, हम लोग आगे 3 दिन में डिस्कस करेंगे। तो माशाल्लाह ऐसा है कि हर पहलू से ये लोगों को जोड़ने की मैं कोशिश करता हूँ। मेरा तो नॉलेज इतना सबसे ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं एक ही काम कर रहा हूँ कि सबको जोड़ने का। और किधर भी मुझे मीडिया में मिले, वीडियो में मिले, यूट्यूब पे मिले, किधर भी लोग मुझे मालूम होते हैं तो मैं उनको पकड़ता हूँ और खींच के फोरम में लाता हूँ। और जैसे मैं किसको आगाज करता हूँ, बहुत सारे इसमें से आधे से ज्यादा लोग ऐसे हैं कि वो सिर्फ व्हाट्सएप से हमारे फोरम के साथी बन गए। अभी वक्त का बहुत तकाजा है, फिर भी एक इंट्रोडक्टरी स्पीच एक इस्तेमाल मेरी तरफ से भी होना चाहिए था फोरम की तरफ से भी, इसलिए मैंने थोड़ा टाइम और बढ़ा लिया और इसको अंजाम दे रहा हूँ। अभी इसमें हमारा जो मकसद है उसमें बहुत सारा एक पॉइंट ऐसे है कि मैं पॉइंट पढ़ता हूँ। हमें एक राज्य स्तरीय एक संस्था बनाना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि संगठन बनाओ, लेकिन संगठन ये नाम कभी बहुत जगह पर बदनाम भी हुआ है। तो लोग बोलते हैं कि संगठन करके कुछ प्लेटफॉर्म करके सियासत में जाना चाहते वगैरह, तो हम लोग पहले से हमारा तजुर्बा रहा है कि हम लोग ये गैर सियासी तंजीम चलाएंगे, गैर सियासी संस्था चलाएंगे। और बहुत बार इकबाल भाई थोड़ा माफ कर रहा, लेकिन हमारा एक फॉर्मेलिटी हम लोगों के स्टेज पे जाना नहीं और सियासी लोगों को स्टेज पे लेना नहीं। तो ऐसे रख के हम लोगों को क्यों रखना चाहते हैं उसका भी हम लोग पर्सनल में कभी बात करेंगे। लेकिन जो हरीफ भाई ने कहे, हमारे सादिक भाई भी बार बार कहते कि हमारे में लीडरशिप डेवलपमेंट होना चाहिए। हमारे हम लोग वली रहमानी जो आप जानते रहे उनसे भी जुड़ चुके हैं कि वो वही सपना देख रहे हैं कि हमें लीडरशिप डेवलपमेंट करना है। तो वो सेक्शन जो है हम लोगों को करना है, हम लोग लीडर्स डेवलप करेंगे, लेकिन हमारे फोरम के ग्रुप से कोई सियासत में जाएगा नहीं। लेकिन अभी दानिश भाई हमारे गए, लेकिन वो आधे इधर आधे उधर है, हम लोगों ने उनको भी बता दिया। अभी दूसरा ऐसा है कि हर एनजीओ और समाज सेवी कार्यकर्ता को मजबूत करना। हमारा स्लोगन ये है, यानी कि टैगलाइन जिसको बोलते हैं एम्पावरमेंट टू एनजीओ, उसके आगे लेके हम लोग अभी जा रहे हैं कि एम्पावरमेंट टू सोशल एक्टिविस्ट। और आगे जाके अभी भी सुना मैंने कि वो मेरे प्रोग्राम में आगे है, उसकी हम लोग कोशिश कर भी रहे कि पूरा क्या हो जाएगा। जिला स्तर और राज्य स्तर कॉन्फ्रेंसेस होगी, जैसी अभी जो स्टेट लेवल की हो रही है ऐसी जिला स्तर पर हर जिला पर हम लोग लेने के तैयार है, उसके लिए स्पीकर्स और सब तैयार है। और करीबन अभी 7 डिस्ट्रिक्ट हमारे रेडी है कि जो बोल रहे सर कभी लगाते डेट इधर लगाओ,
इंशाल्लाह हर महीना एक एक डिस्ट्रिक्ट हम लोग कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक दूसरे की नॉलेज लेने वाला आसानी से जो सिस्टम बनने वाला है। अभी देखो सब लोग के हाथ में मोबाइल है, ऐसा लगता था कि मोबाइल नहीं आएगा जल्दी, लेकिन सबके हाथ में, तो हाथ में भी हम लोग कैसे नॉलेज दे सके। यहाँ पर हमारे अफसर भाई पुणे से है, वो साथी है, और हम लोगों ने पुणे में आईटी का ग्रुप बनाया है, आईटी एक्सपर्ट्स का। माशाल्लाह उनका इतना हमें ताउन हो रहा है कि बिना एक पैसा देते हुए भी लाखों रुपए कॉस्ट की एक ऑनलाइन पोर्टल सर्विस इंशाल्लाह जल्दी ही महाराष्ट्र मराठी फोरम की और रोग टास्क फोर्स की, यानी कि मुसलमानों के हर मसले को टच करने वाली, हर मसले को हमारे तक पहुंचाने वाली, उसका मसला हल करने वाली सिस्टम हम लोग जल्दी खड़े करने वाले। और इसमें और भी एक हमारा एक अहम मकाम है जो 24/7 हेल्पलाइन सेंटर। अभी देखो बहुत बार ऐसा होता है कि मैं समझो मंसूर भाई को जानता हूँ, लेकिन मंसूर भाई का फोन नहीं लगता जब जरूरत रहती है तब, फॉर एग्जाम्पल सॉरी। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हमारे तो नेटवर्क रहेगा, तो हेल्पलाइन को हम लोग, हेल्पलाइन तो हमेशा ओपन रहेगी, तो हेल्पलाइन के जरिए हम लोग जरूरतमंदों को, यानी कि जरूरत पुराने वाले तक पहुंचा सकते हैं। और भी बड़ा हमें काम करना है कि शासन की सभी सुविधा हर घर तक पहुंचाने की सिस्टम तैयार करना है। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोगों को मालूम रहेगा कि ये जो सीएससी ताकत आज खड़ी रह चुकी है, वो एक अनुलोम नामक एनजीओ के जरिए बढ़ रही है। वो संस्था हर घर तक पहुंची है, हर गवर्नमेंट का हर योजना उसको कैसे मिलेगी वो उनका आदमी बताता है। सीएससी लोग थोड़े बाजू में रहते और वो जुड़ाते, बाद में ट्रैक अपने आप होता और उनको मालूम रहता कैसे इसमें सर्वे होता है और ये सियासी ताकत जीत जाती है। ऐसे ही हमें क्या करना है, हमें सियासत में जाना नहीं है, लेकिन इनामदार साहब ने हमारे बताया कि हर घर का सर्वे होना चाहिए, तो इंशाल्लाह वो भी हम लोग ऑनलाइन के जरिए हर घर घर में पहुंचेंगे। अब हर खुद भी आदमी उस पर कर सकता है, वो हम लोग मराठी और अंग्रेजी दोनों लैंग्वेज में या हिंदी लैंग्वेज में, तीनों लैंग्वेज में हम लोग इंशाल्लाह करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी सबसे अहम हमारे रियाज भैया आएंगे कल दो दिन में, उनके तकरीर में बनाएंगे बताएंगे। सलीम भाई खान साहब हम लोग हमेशा इस पर बात करते रहते हैं, मैं हर संडे पुणे जाता रहता हूँ, तो मेरी एक बहुत बड़ी फिक्र है कि आज देखो मांगा सवर्ग जो लोग है, बीसी लोग है, इनको तरक्की करने के लिए उन्होंने पार्टी खड़ा किया, मांगा स्वर्गीय शिक्षण संशोधन संस्था पार्टी खड़ा कर दिया, ये सरकार ने सारथी खड़ा कर दिया मराठों के लिए। अभी अभी मैंने सुना और भी किसी तंजीम के लिए और एक सिस्टम खड़ा रहेगा, महाज्योति, अभी अभी ये 15 दिन पहले, हमारा कौन सोचेगा हमारा कब होगा। तो अभी हमारे इसमें तजुर्बान में हमें यानी कि गाइडेंस करने के लिए मैडम मौजूद है, उनकी बहुत सारी सर्विस, मैडम ज्वाइंट सेक्रेटरी रह चुके हैं माइनॉरिटी मिनिस्ट्री में, तो बहुत सारा गाइडेंस हमको उनसे भी हो रहा है। हम लोगों ने एक प्रपोजल इस सब के लिए ऐसा डाला है कि जैसा मुस्लिम शिक्षण संशोधन प्रशिक्षण संस्था, इसका प्रपोजल हम लोगों ने गवर्नमेंट में दिया है 4-5 महीने पहले, हम लोग 4-5 डेलीगेट्स जाके हम लोगों ने वो दिया है। गवर्नमेंट ना भी करे, हम लोग उम्मीद करेंगे कि उसके गवर्नमेंट को मजबूर करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट का रास्ता भी नहीं देखेंगे, हम हमारी तौर पर फोरम की तौर पर ऐसा सेंटर शुरू करने की कोशिश बहुत करेंगे और सोचेंगे कि आप ये कैसे होगा, पैसा कैसे आएगा, ये सब कैसे, जगह कहाँ से मिलेगी। तो हमारे सलीम भाई और खान साहब दिन रात मेहनत कर रहे, अभी भी और डायरेक्ट पूरी रात जाग के, कल औरंगाबाद में 2-3 बजे थे, पूरी रात सफर करके यहाँ तक पहुंचे। वर्क डेवलपमेंट ये सबसे हमारा अहम सोल्यूशन है। हमें, मैं बोलता हूँ बहुत सारे एनजीओ को ऐसे एम्पावरमेंट करने में मुसीबत आती है कि चंदे का मसला रहता है, चंदा मांगने कौन जाएगा, क्या करेगा। तो हमारे पास, हम लोग एक ऐसी सिस्टम खड़ा कर रहे हैं कि किसी को चंदा मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पैसा इकट्ठा अपने आप होते जाएंगे। जैसे बोलते हैं ना कि सूरज को रोशनी देने की, यानी कि सूरज रोशनी देता है वो बताने की जरूरत नहीं है, क्यों ना हम हमारी रोशनी ऐसी खड़ी कर देंगे कि वो हमारे पास चंदा देने वाले, फंड रेजिंग वाले सब हमारे साथ में आएंगे। और भी बहुत सारा बात करने का है, लेकिन हम लोग आखिरी दिन में सब मिशन को और भी सिस्टमेटिक तरीके से बताएंगे। और मैं सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मेरी ऐसी एक राय है और सूचना है कि सभी साथी सभी सेक्शंस बड़ी गौर से सुने, और एक जब भी क्वेश्चन आंसर का हर बार एक मसला आता है, हम लोगों ने दिल्ली में भी देखा, दिल्ली में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस मोमिन हुई थी
एक दो तीन मार्च में वहां पर भी कांसाब सलीम भाई हम लोग चार पांच डेलीगेट्स गए थे परसों, उसको उसका एक्सपीरियंस देख के अभी एट एनजीओ साउथ इंडिया की कॉन्फ्रेंस बेंगलोर में भी लास्ट मंथ, तो हम लोगों ने इतना वायरल किया, महाराष्ट्र से दो या तीन से ज्यादा डेलीगेट जाते नहीं थे, हमारे वायरल करने से 22 डेलीगेट हम लोग लेके जा चुके वहां के बंदों, यानी कि औरंगाबाद के हमारे मसी भाई है और उनके जिया भाई आएंगे कल, उन्होंने बोला सर वो जिन्होंने कॉन्फ्रेंस अरेंज किया उन्होंने इतना आगाज नहीं किया, इतना अनाउंसमेंट किया, इतना अनाउंसमेंट आपने किया। मैं बोला ये अनाउंसमेंट मैंने हमारी कौम की तरक्की के लिए, मुझे ये जो एक्टिविस्ट चाहिए और एक सोच मेरा थिंक टैंक बढ़ाना क्या है, वो थिंक टैंक बढ़ाने में मुझे लोग चुनने हैं, अगर मैं सोचता हूँ 100 मेंबर्स हमारे थिंक टैंक के हो जाएंगे वो 10 को रिप्लिकेट यानी 10 को ट्रेन करा सकते, 1000 की अगर हमारी तादाद हो गई तो मुझे नहीं लगता कुछ लोगों को 100 साल लगे कुछ कामयाबी के लिए, 3% वालों को 20 साल कितने साल लगे, हमारे लिए 20% वालों के लिए कितने साल लगेंगे, इंशाल्लाह जल्द ही हम लोग कामयाबी ले सकते हैं, लेकिन सब लोग जुनून अपना बढ़ाए और पूरी प्रोग्राम को तफसीर से सुने और एक राय का जो सजेशंस का था क्वेश्चन आंसर्स का, तो आपको जो बुक पैड दिया है उसमें से आप है ना जो भी सवाल निकलते हैं ना वो लिखो, और जो भी हमारे ये सब कोऑर्डिनेट करने वाले एहसान सर रहेंगे या परवीन माडिक सर रहेंगे उनके पास दे दो, इंशाल्लाह रात को हम लोगों को ओपन सेशन देना है, तो काफी जिम्मेदारी को हम लोग शेड्यूल आपको हाथ में दे नहीं सके, लेकिन इंशाल्लाह आफ्टरनून सेशन में हम लोग आपको सबको शेड्यूल दे रहे, तो हर रात को हमको 8:30 बजे खाना खत्म करके 1 घंटे का रात को एक ओपन सेशन शेड्यूल, हमारा रेसिडेंस इधर है उधर भी एक छोटा हॉल है वहां पर इंशाल्लाह हम लोग करेंगे, और इस फोरम की आज की जो हम लोग 3 दिन की कॉन्फ्रेंस है इसके कामयाबी के हम लोग सिपाही बनेंगे, इतनी रिक्वेस्ट करता हूँ और मेरा छोटा सा तकरीर खत्म करता हूँ। सोशल मीडिया था ना फेसबुक था ना ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना एडवांस था, उस वक्त में एक महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता एक अजम लेके चल रहे कि मुझे देश को आजाद कराना है, अपनी जॉब को छोड़कर आए और पूरे इंडिया के अंदर फेमस भी हो गए। आज के दौर के अंदर फेमस होना बड़ा आसान है सोशल मीडिया के जरिए, अगर मैंने एक प्रोग्राम किया मैं 70 ग्रुप के अंदर अपने प्रोग्राम को व्हाट्सएप को डालता हूँ ताकि मेरी ब्रांडिंग हो जाए, डेफिनेटली उस ब्रांडिंग को इस्तेमाल करो, सोशल मीडिया अल्लाह ताला ने आपको प्लेटफॉर्म दिया हुआ है उसका सही इस्तेमाल करो, लेकिन उस वक्त कुछ नहीं था लेकिन एक अज्म था, बड़ा अज्म था कि देश को आजाद कराना है, देश को आजाद कराना है, तो उस वक्त में भी कश्मीर से कन्याकुमारी तक के बात पहुंच गई, तो रेवोल्यूशनरी बात जो होती है, रेवोल्यूशनरी विजन जो होता है डेफिनेटली वो बैरियर नहीं देखता है, वो किलोमीटर्स नहीं देखता है, वो बात फैलती है। इंशाल्लाह आप यहां अज्म करेंगे, कोशिश करना हमारा काम है, सीएसआर के लिए तब दड़बड़ करेंगे, 10 कंपनी के पास में जाएंगे, 25 कंपनी के पास में जाएंगे, ऐसे तदाबीर ऐसे एनालिसिस हमारे को दानिश मुल्ला साहब ने कहे, दानिश लांबे साहब ने कहे, वो सब अपनाएंगे ना, नहीं फंड मिलता है हमको काम करा के दो, गवर्नमेंट फंडिंग नहीं मिलती है, करोड़ों की फंडिंग है नहीं मिलती, हमको तदाबीर में जाएंगे, प्रोसेस में जाएंगे, इंशाल्लाह आज ये तो कल मिलेंगे। हम देखते हैं पॉलिटिकल लीडर्स 20 साल पहले स्टार्ट किए थे, 20 साल तक कुछ नहीं मिला, बाद में वो प्राइम मिनिस्टर बन जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह आज हमारा काम हो सकता है, हमारे तक नहीं हुआ, हमारे बच्चे जब वो एनजीओ को चलाएंगे तो एनजीओ इंशाल्लाह वो बड़े बड़े काम देंगे, हमारे पास में भी ब्यूरोक्रेसी के अंदर भरमार होंगी, 3% आज हम ब्यूरोक्रेसी के अंदर है, हर साल 750,000 बच्चों का आईएएस का रिक्रूटमेंट निकलता है, अफसोस की बात है हमारे बच्चे उसमें से 50 मैक्सिमम अभी तक पहुंचे हैं, लास्ट ईयर जो इस साल जो है 27 बच्चे आईएएस हमारे बने, आईएएस आईपीएस जो भी बनते हो, तो मतलब आप देखा जाए तो 2.8% वो जो नोटिफिकेशन था वो नोटिफिकेशन का 2.885% है, इससे पहले वाला जो साल था वहां पर 49 बच्चे थे, उस वक्त 925 वगैरह कुछ वैकेंसी थी, उस वक्त 5.2% था, तो हमारा तो परसेंटेज डाउन हो रहा है, और हम लोग उसको व्हाट्सएप के ऊपर वाव कहते हैं, ऊपर से लिखकर नीचे से लिखकर वाव, 25 बच्चे मुसलमान के ये बन गए, आईएएस बन गए, ये बन गए, हमारे पास में एक फिगर नहीं है, हमको पता नहीं हमारी आबादी 19% या 20% के करीब पहुंच गई है, तो हमारा उतना रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, ये हमारा एम होना चाहिए, उसके लिए हमारे पास में तदाबीर नहीं, जैसा कि हसन भाई ने कहा कि हमारे पास में बच्चों का इंटेलेक्चुअल प्रिपेयर ही नहीं यूपीएससी के लिए प्रिपेयर ही नहीं है, तो एमपीएससी के लिए तैयारी करने पड़ती है, आपको पता है कि एमपीएससी के लिए प्रिपेयर नहीं है, आप क्या करेंगे, तो इंशाल्लाह हमको बड़ा आजम करके काम करना है, मैंने आपका कीमती वक्त लिया उसके लिए माफी चाहता हूं, मैं अपनी बात को खत्म करता हूं, अल्लाह ताला मेरी बात में अगर कुछ गलती हुई तो उसको माफ करे, अल्लाह आप भी मुझे माफ करे,
खैर अभी आगे की जो तदाबीर है, आगे की जो प्रोसेस है, अभी जो हजरत ने जो एनजीओ ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है वो अपना रजिस्ट्रेशन कर दे, उसकी जो फीस थी 3000 रुपीज वो अपनी फीस जमा करा दे और उसकी रसीद ले ले। जो हजरत सिर्फ आज के लिए आए उनके लिए भी था ना कुछ प्रोसेस, वो जो भी है प्रोसेस वो इंशाल्लाह रिसेप्शन के ऊपर आप वो काम पहले करवा ले और यहाँ से कुछ फ्रूटफुल लेसन्स आप लेके जाए, इंशाल्लाह आपके रिपोर्ट्स देके जाए। इंडिविजुअलाइजेशन यही है कि हमने ये प्रोसेस में आपको बताया कि इंट्रोडक्शन के अंदर हमारा कम से कम 1.5 घंटा गया, दैट इज अ सिंबल ऑफ एक्सेप्टेंस कि हमको एक्सेप्ट करना है कि वो जो नांदेड़ के अंदर जो चोपड़ा के अंदर एक आदमी काम कर रहा है, अकेले आदमी ने काम किया था, उसको एप्रिसिएशन को करना है, उसको हमको डुप्लीकेट करना है इंशाल्लाह, वो काम हमको करना है डेफिनेटली, वो हमने किया, सब हम तो फ्लो में जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग यहाँ पर इतनी कुर्बानियां देकर अल्लाह को राजी करने के लिए है, डेफिनेटली अल्लाह इसको कबूल करेगा। नमाज का इंतजाम भी है, पहले नमाज के लिए आधे लोग नमाज पढ़ेंगे, उसके बाद दूसरे लोग नमाज जो खाना खाएंगे वो खाना खाने के बाद नमाज पढ़ेंगे, ये छोटा रूम है, ठीक है। चलिए सर, ठीक, नेक्स्ट सेशन जो है हमारा इंशाल्लाह, खाने का इंतजाम पीछे है, नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह हमारा 3 बजे से स्टार्ट होगा।